شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس و... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين إن شاء الله آج هم سورة البقرة 74 سے اپنا لسن شروع کریں. पीछे हमने पढ़ा कि बनी इसराइल को अल्लाह सुबहान तय ज़िबा करने का हुक्म दिया और फिर उन्होंने उसके ऊपर खूब सवाल जवाब किए और उस खूब सवाल जवाब का और बाल की खाल उतारने का मकसद क्या था कि किसी न किसी तरह हम अल्लाह ताला के जो ये हुक्म आया है इसमें से हम रिगल आउट कर सकें हम इसमें से निकल जाएँ हमें ये करना ना पड़े तो असल वजह जो थी उनके सारे सवाल जवाब की वो कोई इल्म हासिल करना नहीं था तो बहर हाल एंड में उनको वो पिन पॉइंट करके बता दी गई कि वो गाय अब तुम्हें ़िबा करनी है कि जो तुमने अपनी ख़ास इबादत के लिए अलग करके रखी हुई थी हालांकि शुरू ही में अगर कर देते तो फिर कोई सी भी गाय से कर देते तो लिहाजा दीन में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करना और इस नीयत से करना कि कोई हीला निकल आए कि हम इस में से निकल आएं इस हुक्म में से तो ये इंसान के लिए और ज़्यादा सख्तियाँ ही पैदा करता है बजाय इसके कि इंसान के लिए कोई रुख्सत निकले फिर उसके बाद क्योंकि उनका रवैया यही था दीन के बारे में तो उनके दिल अल्लाह सुबहान तलामाते हैं के सख्त हो गए यहाँ से अब हम अपनी आज की आयत शुरू करेंगे अल्लाह सुबहान वाली फ़रमाते हैं قلوبكم मक़सद क्लूब ममबादी जालिक फ़ीअ कल हजारती अशदा के फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए चुनाचे वो पत्थरों की मानद हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त और बेशक कुछ पत्थर वो हैं कि उनसे नहरें फूटती हैं और बेशक उनमें से कुछ वो हैं कि फट पड़ते हैं फिर उनसे पानी निकलता है और बेशक उनमें से कुछ वो हैं कि अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो दिलों की सख्ती ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए क्योंकि दिल जो है वही मरकज़ है ख़ैर का भी और शर का भी दिलों का नरम होना इंसान की खुशबी की अलामत है जबकि दिलों का सख्त होना इंसान की की अलामत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है जब उसकी इस्लाह हो जाती है तो तमाम जिस्म की इस्लाह हो जाती है और जब वो बिगड़ जाता है तो तमाम जिस्म बिगड़ जाता है और सुनो गोश्त का वो टुकड़ा दिल है इंसान का दिल आप देखें कि दुनिया की हर फिलॉसफी साइकोलॉजी में भी दिल की बड़ी बात होती है कि कोई हार्ड हार्टेड है कोई वार्म हार्टेड है कोई कोल्ड हार्टेड है हम यही कहते रहते हैं ना तो दिल का अगर उसके बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी ना भी हो तो उसके बावजूद भी दिल इंसान की सोच का मरकज़ हमेशा रहा है ये आमतौर पर जब से हमने साइकोलॉजी को और इन सारी जो आ, आ, चीज़ें हैं इनको टेंजिबल सेंस में लेना शुरू किया और कहा कि इसको हम मेयर करेंगे और हम इसको साइंस बुलाएंगे और साइंस में तो चीज़ हो ही वो सकती है साइंस में तो उसी चीज़ को लिया जा सकता है कि जो आप सिर्फ मैर कर सकते हों तो उस वक्त फिर कहा गया कि नहीं जी अब हम दिल और सोल जो है उसको हम निकाल देंगे ये तो बस मज़हबी हालांकि ये मज़हबी नहीं हैं ये हमारी पूरी जो हमारा जिसम है हमारा रूह और जिसम आपस में गुथे हुए हैं और हमारे दिल का जो जज्बाती पहलू है वो हमारे रूह के लिए उतना ही इम्पॉटेंट है जितना हमारे दिल का फ़िज़िकल पहलू हमारे जिस्म के लिए इम्पॉटेंट है तो जिस तरह से पूरे जिस्म की असलाह फ़िज़िकली होती है दिल से इसी तरह से इंसान के दिल की असलाह अगर हो जाए रूहानियत के हवाले से तज़िए के हवाले से तो इंसान की रूह की भी असलाह हो जाती है इंसान के आमाल की भी असलाह हो जाती है और दरअसल इसी को तजकिया नफ्स कहते हैं सो so, यहाँ से हम ये बात अखज़ कर सकते हैं कि तजकिया नफ्स जो है वो कब हो सकता है उसकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि आप अल्लाह के अहकाम को मिन अन फ़ौर मान लिया करें आप उसमें हीले बहाने ना तराशा करें आप उसमें क्वेश्चनिंग कर करके अपने लिए सख्ती ना पैदा किया करें क्योंकि इन बनी इसराइल के साथ यही हुआ कि इन्होंने जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए पत्थरों की तरह बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त कि पत्थर भी सख्त तो होते हैं उनकी तो नेचर में ही सख्त होना है लेकिन उसके बावजूद पत्थरों से बड़ी बड़ी खैर फूटती है अल्लाह सुबहान वाल ख़ुद फ़रमाते हैं कि पत्थरों के अंदर से तो नहरें भी फूट पड़ती हैं फिर वो बाज़ात फटते हैं और उनके अंदर से चश्मा निकलता है कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और जब दिल सख्त हो जाता है तो उसमें से तो कोई भी खैर नहीं फूटती रसोल्ला वसम ने दिलों के बारे में ये भी फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह की ज़मीन में कुछ बर्तन हैं और तुम्हारे रब के बर्तन नेक लोगों के दिल हैं और उसे उनमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो हैं जो नरमी और शफकत करने वाले हैं तो लिहाजा हार्ट को इंसान की जो साइकी है और इंसान की जो स्टडी है उसके जज्बात की उसके इमोशंस की उसमें से कभी भी निकाला नहीं जा सकता फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों क्या फिर तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी खातिर ईमान ले आएंगे हालांकि उनमें से एक फरीक ऐसा है कि वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं फिर वो उसे समझ लेने के बाद उसमें तहरीफ कर देते हैं हालांकि वो जानते हैं और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं और जब वो एक दूसरे के साथ तन्हा होते हैं तो आपस में कहते हैं क्या तुम मुसलमानों को वो बातें बतलाते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि वो तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हारे खिलाफ़ इन बातों को बतौर हजत पेश करें क्या तुम अकल नहीं रखते इन बनी इसराइल का अल्लाह ताला के साथ बस इतना सा ही ताल्लुक़ था ये समझते थे कि अगर हम मुसलमानों को जाकर बता देंगे कि हाँ तौरात में भी यही कुछ लिखा है मोर और लेस जो आप लोग बताते हैं या तोरात में इन नबी की तो सारे हुलिया मुबारक लिखा हुआ है और हम तो पहचानते हैं उनको तो ये मुसलमानों को मत बताया करो ये अल्लाह को बता देंगे यानी अल्लाह ताला का जो आलिम व शहादा होना है उसकी मारफ़त ही नहीं थी इनको और अगर थी भी तो उन्होंने जानबूझ कर उसको एक तरफ़ साइड पे कर दिया था तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं आगे अवलायालमून अन यालमायूसरून मा व मायलिन क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं और इनमें से कुछ अनपढ़ हैं वो किताब को नहीं जानते सिवाय झूठी आरजुओं के और बस वो सिर्फ़ गुमान करते हैं यानी बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास किताब तो है क़ुरान है लेकिन वो किताब को ना पढ़ते हैं ना उसको समझते हैं अगर अरबी पढ़ भी लें तो उनको समझ कोई नहीं आ रही होती कि इसमें लिखा क्या है मेरे लिए हो सकता है कि कोई जहन्नुम की और अजाब की आयत हो और वो उसके ऊपर झूम रहा हो और इसी तरह से कोई नसीहत की बात हो और वो उसको किसी मैयत के ऊपर पढ़ रहा हो तो ये हमारी अमानी है और ऐसे लोग अहले किताब में भी थे कि जो सिर्फ़ अपनी आ, रब की किताब से सिर्फ कुछ वजाइफ़ चाहते थे कि दुनियावी कुछ अमूर में हमें कुछ वज़ाइफ मिल जाएं और यही हाल आज हमारा भी है कि किताब को नहीं जानते सिवाय झूठी आरज़ुओं के और बस वो सिर्फ गुमान करते हैं चुनानचे उन लोगों के लिए हलाकत है जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके बदले में थोड़ी सी कीमत ले लें चुनानचे उनके हाथों ने जो लिखा उसकी वजह से उनके लिए हलाकत है और जो वो कमाते हैं उसकी वजह से उनके लिए हलाकत है बनी इसराइल का तो ये भी तरीक़ा था ना कि बाइबल है इंजील यानी और तौरात है तो उसको उन्होंने तहरीफ भी की थी उसमें उन्होंने बातें अपनी तरफ से ऐड कर दी थी और फिर तौरात को उन्होंने जो है बकायदा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये किताब तो सिर्फ आ, सवाब हासिल करने के लिए है वरना इनकी अपनी जो फ़िक की लिखी हुई किताब थी तलमूद इन्होंने कहा कि एहकाम हम इधर से लेंगे वो जो इनके अपने रह ने लिखी हुई थी एहकाम वहाँ से लेंगे और तारात को तो सिर्फ़ हम आ, आ, सवाब के लिए पढ़ने के लिए रखेंगे तो हमारा और उनका फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम क़ुरान के अंदर कुछ तहरीफ नहीं कर पाए इसलिए कि इस किताब का जिम्मा इसकी हिफाज़त का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले रखा है वरना जो रवैया है हमारा क़ुरान के साथ जो ज़हनी रवैया है वो हमारा भी मोरलेस वही हो चुका है कि जो उन लोगों का था कि कुरान तो सिर्फ़ तिलावत की और सवाब की किताब है और इसमें से नसीहत हासिल करने के लिए तो कोई और ही लोग दरकार हैं हालांकि ये किताब अवामानास के लिए थी और उन्होंने कहा आग हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा हरगिज़ नहीं छुएगी कह दीजिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है फिर तो अल्लाह अपने अहद के हरगिज़ खिलाफ़ नहीं करेगा क्या तुम वो बात कहते हो अल्लाह के बारे में जो तुम नहीं जानते क्यों नहीं जिसने कोई बुराई कमाई और उसे उसकी बुराई ने घेर लिया तो वही लोग दो हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे अल्लाह ताला का कोई लाडला नहीं है जिसने भी गु... जिसने भी बुराई कमाई वो ज़रूर अपनी बुराई का मज़ा चखेगा और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए वही जन्नती हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे और जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और वालिदैन रिश्तेदारों यतीमों और मस्किनों से नेक सलूक करना और तुम लोगों से अच्छी बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना फिर तुम इस वादे से फिर गए मगर तुम में से थोड़े इसके पाबंद रहे और तुम तो फिर ही जाने वाले हो यानी अल्लाह जो अहद लिया उससे भी फिर गए और वो अहद क्या था वो बेसिकली सबसे पहला ये कि अल्लाह ताला का हक़ अदा करो उसकी इबादत करके और सिर्फ़ उसकी इबादत करके उसकी वहदानियत का इकरार करके और उसके बाद जो रवाबित हैं जिन लोगों के साथ उठना बैठना है अपने वालदान अपने अजीज़ व अकारब फिर इसी तरह से माशरे के कमज़ोर लोग यतीम मसाकीन, इन लोगों का ख्याल करना इनके साथ एहसान का मामला करना खूबसूरत मामला करना और लोगों के साथ अच्छे तरीके से कलाम करना बात अच्छे तरीके से करना और फिर नमाज़ कायम करना ज़क़़त देना यानी अल्लाह ताला के तकूक़ भी अदा करना और बंदों के हकूक़ भी अदा करना ये बेसिक तालीमात हैं हर मज़हब की और यही तालीमात इन लोगों को भी दी गई थी लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम इस वादे से फिर गए मगर तुम में से थोड़े उसके पाबंद रहे और तुम तो फिर ही जाने वाले हो ये जो इस सारी तलीम में एक बात जो यहाँ पे फरमाई जा रही है ना न वूलूलनासी हस्ना इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि बाक़ी जो अहकाम हैं ये बार बार दोबारा भी आएंगे वक़ूल लिन्नासी हुसना लोगों के साथ भले तरीके से बात करना लोगों की बात को सुनना उनका जुमला मुकम्मल होने देना उनका जुमला मुकम्मल होने के बाद अप, अपनी बात का जवाब देना और फिर इसी तरह से लोगों के साथ ग़ुस्से से बात ना करना चीख चिल्ला के बात ना करना गाली गलोच ना करना और फिर एक और चीज़ इसके अंदर बहुत अहम है जो हमें रसोल्ला सल्ह वसम के डमीनर से पता चलती है और वो है कम बोलना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम अपने ऊपर लंबी ख़ामोशी को लाजिम करो ये भी गुफ्तु के आदाब में से है कि इंसान थोड़ा बोले आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंतहाई जिस्मानी लिहाज से खूबसूरत और वेल ग्रूम्ड इंसान थे आप अल्लाह के नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मरतबे पर फाइज थे आपकी बातें सुनने के लिए लोग बेचैन रहते थे और इसके बावजूद जब आप सहबा कराम की मजलिस में होते तो आप बात उनकी ही बातें सुनते रहते वो मुस्कराते तो आप भी मुस्कराते किसी बात पर अगर उनकी कोई तसी करनी होती असलाह करनी होती तो आप इसलाह करते वरना यह नहीं था कि जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं कर सकता कोई और बोल ही नहीं सकता तो हमें अपनी ये जो आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की मजलिस में हाईजैक ही कर लेना एक इंसान का पूरी मजलिस को कि उसके होते हुए कोई और बोल ही ना सके दूसरा कोई एक जुमला भी कहना चाहे तो वो जुमला भी मुकम्मल ना कर सके और पहले से ही पता हो कि जहाँ ये एक दो लोग मौजूद होंगे तो हम तो बोल ही नहीं सकते तो ये एटिकेट्स के इंतहाई खिलाफ बात है इंसान को अपनी बारी पर और उस वक्त बोलना चाहिए कि जब उसके पास बोलने को कोई को बहुत अच्छी बात हो इंसान को चाहिए हदीस का मफूम है कि वो या अच्छी बात कहे और या खामोश रहे फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून न बहाओगे और ना निकालोगे अपने लोगों को अपने वतन से फिर तुमने इकरार किया और तुम इस बात के गवाह हो फिर तुम ही वो लोग हो कि अपनों को कत्ल करते हो और अपनों में से एक फरीक को उनके घरों से निकाल देते हो तुम उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती के साथ दूसरों की मदद करते हो और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो तुम उन्हें फ़िदिया देकर छुड़ाते हो हालांकि तुम पर उनका निकाल देना ही हराम कर दिया गया था क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो फिर तुम में से जो शख्स ये काम करेगा उसकी सज़ा इसके सिवा कोई नहीं कि रसवाई हो दुनियावी ज़िंदगी में और कयामत के दिन वो सख्त तरीन अजाब की तरफ़ धकेले जाएंगे और तुम जो अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है दीन की कुछ बातों पर अमल करना और कुछ बातों को छोड़ देना ये इंसान के लिए ज़िल्लत और रसवाई का बायस बनती है ये चीज़ कभी भी इंसान के लिए आ, किसी किस्म की आ, इवन दुनियावी भी किसी खैर और भलाई की का बास नहीं बनती हम दो कश्तियों का सवार क्यों बन के रहना चाहते हैं ताकि हम चाह क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें दुनिया भी मिल जाए और आखिरत भी मिल जाए तो हम कभी एक कश्ती में पाँव रखते हैं और कभी दूसरी में रखते हैं लेकिन होता क्या है इसकी वजह से इंसान को ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं आता इस दुनिया की ज़िंदगी में भी फिर एक और चीज़ जो इनायात में बताई जा रही है वो यहूद का आपस में जंग करना है ये लोग आपस में जंग करते और एक दूसरे के कत्लो गारत करते एक दूसरे की और इसी तरह से ये एक दूसरे को घरों से निकालते और फिर जंग में अगर इनके अपने भाई बंद बनी इसराइल ही इनके पास पहुंच जाते कैदी बनकर तो ये कहते अच्छा तो तौरात में लिखा है कि फिदिया ले लो और कैदियों को आज़ाद कर दो तो तुम लोग अपना फ़दिया दो हम तो तौरात के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर इनसे लड़ना इनसे जंग करना और इनकी इनको कैद करना ही आ, हराम था तो क्या तुम वो तो आ, अपने लिए जायज़ करार दे लेते हो तो रात के उस हुक्म को तो तुम सेट असाइड कर देते हो और अब जबकि वो तुम्हारे पास कैदी बन के आ गए हैं तो तुम कहते हो कि हम फिदिया लेके आज़ाद कर देंगे तो तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज का इनकार कर देते हो अब देखें कि आपस की लड़ाई बनी इसराइल को भी आपस में मना थी और हमारे लिए उससे भी बढ़कर हुक्म है इनमून अखवा कि मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं अगर कोई दो अहले ईमान कोई नेशंस कोई मोमिन नेशंस आपस में लड़ें तो तीसरे फरीक को चाहिए कि वो जो जारहियत कर रहा है उसको समझाए उससे लड़े और यहाँ तक कि वो वापस अपनी हदों में चला जाए और ये शूरह हजरात में मौजूद है सारा हुक्म और उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त यूएनओ ने जो सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस डिक्लेयर किया है वो यमन है वहाँ की भूख वहाँ की कत्लो गारत वहाँ की बेसर सामानी इस वक्त की जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है और वो किसने कॉज किया है हमारे अपने मुसलमान भाइयों ही का कॉज़ किया हुआ है वो कोई बाहर से कोई और दुश्मन फ़ोर्स नहीं आई है कि जो यमन में ये हशर नशर कर देती तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की रसवाई का सबब हो सकती है कि हम कुरान के भी कुछ हिस्से को मानें और कुछ का इनकार कर दें ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगानी ये दुनिया को आखिरत के एवज ख़रीद लिया है लिहाजा ना तो उनसे अजाब हल्के होंगे और ना उनकी मदद ही की जाएगी और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसके बाद उसके पीछे पैदर दर पे रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुले मुज़ात दिए और उसे रूहुल कुदुस यानी अलैहिस्सलाम के साथ आवत दी क्या फिर जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज़ लाया जिसे तुम्हारे नफ्स न चाहते थे तो तुमने तकब्बर किया फिर तुमने एक फरीक़ को झुटलाया और दूसरे फरीक़ को तुम कत्ल कर देते रहे और उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफ़ों में हैं नहीं बल्कि उनके कुफर के बायस अल्लाह ने उन पर लानत की है लिहाजा कम लोग ही ईमान लाते हैं और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आ गई जो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास है यानी कुरान आ गया जो तौरात की तस्दीक करता है कि तौरात थी मूसा सलाम पर आने वाली नाजिल होने वाली किताब थी अल्लाह की तरफ से थी कुरान तो उन किताबों की तस्दीक करता है कुरान तो मुहैमिन है निगरान है उन किताबों का सिर्फ़ कुरान उन बातों को रेफ्यूट करता है और वो एक फ़िल्टर कुरान लगा देता है कि ये किताब ये किताब में तौरात में बात दुरुस्त थी और ये बात लोगों ने बाद में ख़ुद ऐड कर ली और वो तो मुंतज़िर थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर थे इस नई किताब के मुंतज़िर थे लेकिन जब वो किताब आ गई और उससे पहले वो उन लोगों के ख़िलाफ़ फ़तह मांगते थे जिन्होंने कुफिर किया फिर जब उनके पास वो हक आ गया जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया लिहाजा काफिरों पर अल्लाह की लानत है और इनकार सिर्फ़ अपनी ज़िद में किया और अपने तासुब में किया और अपनी बड़ाई में किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई बढ़ चढ़ जाए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बनी इसराइल ही में ये आखिरी नबी भी आएंगे तो ये बनी इस्माइल में कहाँ से आ गए अरबों में कहाँ से आ गए जिनको हमने कभी कुछ समझा ही नहीं वो चीज़ बहुत बुरी है जिसके बदले उन्होंने अपने नफ्स बेच दिए ये कि वो इस चीज़ का इनकार करते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की सिर्फ़ उस हसद की बिना पर कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहे अपना फ़जल नाजिल करे बस वो गज़ब दर गज़ब के साथ लौटे और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल की गई है और वो उसके माँ सिवा का इनकार करते हैं हालांकि वो कुरान हक है इस किताब की तस्दीक करता है जो उनके पास है कह दीजिए फिर इससे पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते रहे अगर तुम मोमिन थे यानी कुरान तो अब आया है ना लेकिन उससे पहले जो अम्बिया कराम मूसा सलाम के बाद तौरात ही को फ़ॉलो करते थे उनको भी तुम कत्ल कर देते थे इन्होंने ज़करियालाम को कत्ल किया इन्होंने याहियाँ को कत्ल करवाया ईसा आलम के कत्ल के ये दर पै रहे और अपनी दानस में उन्होंने ईसा आल्लम को सलीब चढ़ा भी दिया तो वो तो तौरात ही के फॉलोअर्स थे वो तो कोई नई और किताब अहकाम वाली लाए ही नहीं थे तो फिर उनको क्यों तुमने कत्ल किया और बेशक मूसा सलाम तुम्हारे पास खुले मोजात लेकर आए फिर उसके बाद तुमने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया और तुम हो ही जालिम, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया और हमने तुम पर तूर पहाड़ को बुलंद किया और कहा हमने तुमको जो दिया है उसे कु्वत के साथ पकड़ो और सुनो उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नाफ़रमानी की और उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई कह दीजिए अगर तुम मोमिन हो तो वो काम बुरा है जिसे करने का तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है यानी ये कैसा ईमान है कि जो तोहीद की बजाय और अकेले अल्लाह की बजाए एक बछड़े की पूजा पर तुम्हें उकसाता है ये कैसा ईमान है तुम्हारा फिर इनकी एक और अल्लाह ताला ने चोरी पकड़ी قل الدار من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. कह दीजिए अगर अल्लाह के हां आख़िरत का घर ख़ास तुम्हारी ही लिए है औरों को छोड़कर तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो और वो अपने इन गुनाहों की वजह से जो अपने हाथों कमा कर आगे भेज चुके हैं इस मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे और अल्लाह ालमों को ख़ूब जानने वाला है यानी अगर ये कहते थे कि जन्नत तो बनाई ही हमारे लिए गई है जन्नत हमारे लिए है बाकी सारे जो लोग हैं वो हमसे रजील हैं और असल में तो जन्नत में हमने जाना है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर इस दुखों के घर इस दुनिया से और इस फ़ानी घर से जहाँ की नेमतें ना तो परफेक्ट हैं और ना ही वो दायमी हैं तो तुम यहाँ से निकलने की तमन्ना करो फिर तो तुम्हें मरने की तमन्ना करनी चाहिए और अल्लाह ताली फरमाते हैं और वो अपने इन गुनाहों की वजह से जो अपने हाथों कमाकर आगे भेज चुके हैं इस मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है और मौत की तमन्ना करनी तो दूर की बात बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं और यकीनन आप इन यहूद को सब लोगों से बढ़कर जीने का हरीस पाएंगे और इन लोगों से भी ज़्यादा जिन्होंने शिरक किया मशरकिन से भी ज़्यादा ज़िंदगी की अगर हवस है और इस दुनिया में कोई रहना चाहता है ज़िंदा तो वो यहूद हैं ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं आप देखें मेडिकली ये सारी तरक्याँ ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और ये क्लोनिंग और ये ज़िंदा रहने की हिस्सो हवस सारी की सारी रिसर्च जो हैं वेल बीन की वो भी इस बात पे होती हैं कि अगर आप अपने अंदर ये ये क्वालिटीज़ पैदा कर लें तो आप ज़िंदा ज़्यादा अरसे के लिए रह जाएंगे आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी अगर आप शुक्रगुजार होंगे आप ज़्यादा अरसा ज़िंदा रह जाएंगे और ज़्यादा पुरसकून जिंदगी गुजार लेंगे अगर आप लोगों पर खर्च करेंगे ये बातें जो चीज़ें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारती हैं ये जो सैंटिफिक रिसर्च है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं लोगों के हाथ में है कि जो इसी दुनिया की ज़िंदगी में रहना चाहते हैं तो वो उसको एक ही तराजू में तोलते हैं और वो तराजू क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी लंबी हो जाए मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि दो नन्स थी और वो एक चर्च में उन्होंने दाखिला लिया तो एक जो थी वो तो जाते ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि मेरे से तो यहाँ की रूटीन बड़ी मुश्किल है और दूसरी जो है वो बड़ी खुश खुश रहती थी तो जो उदास हुई थी ना जो अपसेट और परेशान हुई थी वो तो साठ साल की उम्र में उसको स्ट्रोक हुआ और वो फौत हो गई और जो दूसरी जो खुश खुश थी ना तो वो तो अस्सी नब्बे साल की उम्र को पहुंच गई बस ये मतमाए नज़र है ये मबलग ए इल्म है कि बस इल्म भी यहाँ तक ही पहुँचता है कि दुनिया में कितना हम जी सकते हैं दुनिया में कितना हम कमा सकते हैं दुनिया में हम कितनी वेल बींग ला सकते हैं और इसीलिए फिर यहाँ से निकलने को दिल भी नहीं चाहता अद दुनिया सजन व जन्नतुल काफिर के दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर की जन्नत है फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन में से हर एक चाहता है काश उसे एक हज़ार साल की उम्र मिल जाए हालांकि इस कदर उम्र का मिलना भी उसे अजाब से बचाने वाला नहीं है और जो अमल वो करते हैं अल्लाह उसे खूब देखने वाला है ए नबी सल वसम कह दीजिए जो कोई जब्राईल का दुश्मन है ये यहूद कहते थे कि जब्राइल हमारे दुश्मन हैं और ये हमारे ऊपर हमेशा अजाब लाते रहे हैं और अल्लाह ताला ने तो वही हमारी ही तरफ भेजी थी लेकिन जब्राइल क्योंकि हमारे दुश्मन हैं तो ये वही कहीं और ले गए हैं ये बनू इस्माइल में ले गए हैं तो जो कोई जब्राइल का दुश्मन है तो उसी ने इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पर नाजिल किया है ये उस किताब की तस्दीक करता है जो इससे पहले नाजिल हुई और मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है जो कोई अल्लाह का उसके फरिश्तों का उसके रसूलों का और जबराइल और मिकाइल का दुश्मन है तो बेशक अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है यानी अगर तुम जब्राइल से दुश्मनी रखते हो ना तो फिर अल्लाह से भी दुश्मनी ही रखते हो अल्लाह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता अगर तुम उसके दोस्तों के साथ दुश्मनी रखोगे और यकीनन हमने नाजिल की आपकी तरफ वाजे आए थे और नाफ़रमानों के सिवा कोई उनका इनकार नहीं करता क्या ऐसा नहीं होता रहा कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे फेंक दिया बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते और जब भी अल्लाह की तरफ़ से उनके पास कोई रसूल आया जो उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करता था तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया गोया कि वो जानते ही नहीं कि इस किताब में है ही क्या व तब मतलुशयातिनल्किमान व माँ कफ़र सुलमान शयातिन कफ़रु युम नवा उनमलक़ीन अललमलक़ीन बिबा बारुत वूत और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसे शैतान सुलेमान सलेमानसलाम की बादशाहत में पढ़ते थे और सुलेमान ने कुफ़र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफर किया वो लोगों को जादू सिखाते थे जादू कुफर है यहाँ पर हमें नायात से पता चल रहा है क़ुरान से साबित हो रहा है कि जादू कुफर है इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिलानो रिवायत करते हैं कि रसोल्ला सल्ह वसल्लम ने फ़रमाया जिसने ख़ुद जादू किया या उसके लिए जादू किया गया या जिसने कहानत की या उसके लिए कहानत की गई या जिसने बदफाल ली या जिसके लिए बदफाल ली गई वो हम में से नहीं है यानी जादू और जादू से रिलेटेड बाकी तमाम चाहे पामिस्ट्री हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो ये सब चीज़ें जो हैं ये हराम है इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदीलान्हों ही से रिवायत है कि ने फरमाया जिसने इल्म नजूम हासिल किया उसने जादू के एक जुज्व की तालीम हासिल कर ली तो लिहाजा हमारे यहाँ जो ये सारी चीज़ें इतनी प्रेवलेंट हैं हॉरोस्कोप्स तक भी जो है ना वो भी इसी का हिस्सा हैं कोई भी इंसान या कोई भी सिस्टम आपको अगर आपकी ज़िंदगी के गैब के बारे में और आपके मुस्तबिल के बारे में बताने के दावा करता है तो वो जादू ही की किस्म है और इससे फौरन बाज आ जाना चाहिए और इन चीज़ों को फौरन छोड़ देना चाहिए और उन्होंने उसकी पैरवी की जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फ़रिश्तों पर नाजिल किया गया था वो दोनों फ़रिश्ते जादू सिखाने से पहले कह देते थे कि हम तो सिर्फ आज़माइश हैं लिहाजा तू कुफर ना कर चुनानचे लोग उन दोनों से वो जादू सीखते जिसके ज़रिए से वो मर्द और उसकी बीवी के दरम्यान जुदाई डालते यानी एक सबसे जो रजील तरीन अखलाक का दर्जा है वो ये है कि इंसान किसी हस्बैंड वाइफ को खुश ना देख सके और उनके दरमियान जुदाई डाले ये जुदाई फिज़िकल भी हो सकती है ये इमोशनल भी हो सकती है और ये जादू बदतरीन जादू है कि जो मियाँ बीवी में जुदाई डालने के लिए करवाया जाए और इस जादू से शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है यहाँ तक कि वो अपने किसी भी चेले को इतनी शाबाश नहीं देता जितनी वो उसको देता है चाहे कोई कत्ल भी करवा के आ जाए तो वो कहता है तूने कुछ नहीं किया और जब कोई ऐसा चेला उसका आता है जो कहता है कि मैंने आज फिलहाल मियाँ बीवी में लड़ाई डलवा दी है तो शैतान अपना ताज उसके सर पे रखता है और उसको शाबाश देता है कि तुमने बड़ा खूब काम किया क्योंकि जब मियाँ बीवी में जुदाई होती है तो सिर्फ़ वो दो इंसानों तक कोई बात मुहित नहीं रहती है वो दो ख़ानदान बल्कि पूरा मुआरह उससे इफ़ेक्ट होता है अगर कोई उसमें बच्चे इन्वाल्ड हैं तो बच्चे सफ़र करते हैं ब्रोकन होम्स के बच्चे जो हैं उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है वो खुद एक प्रोडक्टिव और मस्बत ह्यूमन बीइंग बनके एक माशरे का फ़र्द बनके तो वो जिंदगी नहीं गुजार पाते तो एक जो मियाँ बीवी की लड़ाई है वो पूरे माशरे पर असरानंदाज होती है और ये बदतरीन जादू है जो वो लोग सीखा करते थे और वो इस जादू से अल्लाह के हुक्म के सिवा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और ये बात पक्की याद रख लेनी चाहिए कि अल्लाह के इज़न के बग़ैर कोई जादू भी असर नहीं करता हाँ ये ज़रूर है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि बीमारी नहीं आती अल्लाह के मगर अल्लाह के इज़न से लेकिन अब अगर वायरस है सपोज़ ठीक है तो आप एहतियात तो करते हैं ना आप एहतियात करते हैं बाजा उसके बावजूद भी अगर हो जाता है उस एहतियात के बावजूद भी तो ज़ाहिर है कि अल्लाह का काजन है लेकिन हो सकता है कि आप जब निकले और आपने एहतियात ना की तो फिर आपने उसको कैच किया तो लिहाजा जादू से बचने की भी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें रखनी चाहिए और वह क्या है हमारी सुबह शाम की दुआएँ अगर हम अपनी सुबह शाम की दुआओं में प्रॉपर होंगे और अगर हम अपनी सुबह शाम की दुआओं में रेगुलर होंगे जैसे कहा जाता है कि अगर दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी आपने सुबह शाम की दुआएं नहीं छोड़नी और आप जैसे असर के बाद अमूमन शाम वाली इंसान को भूलने का इतमाल ज़्यादा होता है तो फिर एक तरीक़ा बना लें कि असर की नमजा नमाज से उठना नहीं है जब तक कि मैं अपनी दुआएँ पढ़ ना लूँ और हार्डली टेन मिनट्स से ज़्यादा तो किसी सूरत नहीं लगते हैं और इसी तरह से ये जो दुआएं हैं ये आपने सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले पढ़नी है तब ये प्रोटेक्शन की दुआएं बनती हैं वरना अदरवाइज फिर ये वैसे ही अजगार रह जाते हैं अजर इनका होता है लेकिन फिर ये प्रोटेक्शन की दुआएं नहीं रहते तो आपने इनको इनके सही टाइम पर जैसे दवा जो है वो दुरुस्त वक्त पर लेनी होती है तो इसको भी आपने इन दुआओं को दुरुस्त टाइम पर आपने पढ़ना है तो फिर कोई जादू किसी किस्म का भी इंसान के ऊपर असर नहीं करेगा इसके अलावा ला अला वह ला शरीक लहू मुल्क व अला वह शैइन कदीर जो रोज़ाना सौ मरतबा पढ़े उस पर भी जादू असर नहीं करता फिर इसी तरह से सात अजवा खजूरें भी आप खा सकते हैं और इंशाल्लाह उससे भी जादू के जो असरात हैं वो ज़ायल हो जाते हैं और जादू असर नहीं करता और लोग इनसे वो इल्म सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाता था उनको नफ़ा नहीं देता था हालांकि वो बिल यकीन जानते थे कि जिसने इस जादू को ख़रीदा आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं और अल्बत्ता वो बहुत बुरी चीज़ थी जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानें बेच डाली काश वो जानते होते और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ से बहुत अच्छा सवाब मिलता काश वो जानते होते ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम नबी से ये ना कहा को तुम नबी से ये ना कहा करो, करो रायना बल्कि तुम कहो उनना और तुम गौर से सुनो और काफिरों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है ये जो मुनाफिकीन और यहूद जो हैं और शरपसंद लोग ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो ये कोई ना कोई एक आप देखें कि अगर किसी मजलिस में कोई ऐसा इंसान आ जाए ना कि जो जू मानी बातें करे और आंखों में आंखें एक दूसरे को इशारे कर रहे हों तो कितनी नेगेटिविटी फैलती है पूरी मजलिस में तो ये काम था इन यहूद और मुनाफिकीन का और ये जो मुसलमान हैं सादा लॉ ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की तालीम हासिल कर रहे होते तो बाद इनको किसी बात की समझ ना आती तो ये कहते रायना यानी या रसोल्ला हमारी रियायत कीजिए मुराद ये है कि हमें दोबारा बताइए या हमें समझ नहीं आई तो ये जो ज्यूज़ हैं और जो मुनाफिकीन हैं इन्होंने कहना शुरू कर दिया रायना और रायना का मतलब था कि हमारे गडे हमारे चरवाहे बड़ी एक डेरोगेटरी सी ये टर्म थी जो उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी तो अल्लाह सुबह मतला ने कहा कि तुम लोग रायना कहना ही छोड़ दो तुम अंजुना कहा करो और गौर से सुना करो तो फिर तुम्हें बार बार नहीं पूछना पड़ेगा और काफिरों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है रसोल्ला वसल्लम के हवाले से बात करते हुए आपकी ज़ात मुबारक के बारे में बात करते हुए आपके बारे में अल्फाज का चुनाव हमारा बहुत मदबाना होना चाहिए रसोल्ला सल्ला वसलम का अदब हमारे ईमान का तकाजा है और अगर हमारे दिल में रसोल्ला सल्ला वसल्म के लिए अदब नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान मशकूक है अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया वो नहीं चाहते और ना मुशरकन ही चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई ख़ैर नाजिल की जाए और अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत ख़ास करता है जिसे चाहता है और अल्लाह फजल अज़ीम का मालिक है जो आयत हम मनसूख करते हैं या उसे भुलवा देते हैं तो उससे बेहतर या उसी की मिसल ही ले आते हैं क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब क़ादर है क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाही और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई हिमायती है और ना कोई मददगार ए मुसलमानों क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से ऐसे सवाल करो जैसे उससे पहले मूसा से सवाल किए गए थे मूसा को बहुत ईज़ाएँ पहुँचाईं बनी इसराइल ने बहुत किया सवाल कर कर के बिल्कुल जैसे आप गाय वाला भी वाक्य देखिए और उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन ना शुक्री के कलिमात बोलने अल्लाह ताला से एक मारिफत ही नहीं थी उद रब्बक रबक उद रबक हमारे लिए अपने रब को पुकारो आप देखें कि एक दाई के लिए कितना मुश्किल काम है और कितना हर्टफुल है कितना पेनफुल है जिन लोगों को अल्लाह की मारिफत कराते कराते वो अपनी जिंदगी खपा रहा है वो फिर बंदे आके कहते हैं हमारे लिए अपने रब को पुकारो और जिसने ईमान के बदले कुफ्र अख्तियार किया तो बेशक वो सीधी राह से भटक गया अहले किताब में से बहुत से ये चाहते हैं काश के वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें फेर कर काफिर बना दें अपने दिलों में हसद करते हुए इसके बाद कि उनके सामने हक वाजे हो चुका पस माफ़ कर दो और जाने दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है अच्छा बहुत सी कन्फ्रेंटेस जो है ना वो नहीं करनी चाहिए हर वक्त सीना तान के सामने आ जाना और हर वक्त जो है वो कोई ना कोई इंसान एक बनाए रखे कोई मुकदमा और इस तरह की कोई अग्रेशन वाली सूरत हाल तो अल्लाह सुबह वाली इसको भी पसंद नहीं फरमाते अल्लाह ताला फरमा रहे हैं माफ़ कर दो और जाने दो यानी इग्नोर करो इनको और तुम नमाज कायम करो तुम्हारे करने का जो काम है ना उस पर तवज्जो दो और ज़क़ात दो और तुम अपने लिए जो भी भलाई आगे भेजोगे उसे अल्लाह के हाँ पाओगे बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है और उन्होंने कहा कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो यहूदी होगा या नसरानी ये उनकी बातिल आज़ुएँ हैं कह दीजिए लाओ तुम अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो क्यों नहीं बल्कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया इस हाल में कि वो नेकी करने वाला है तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास से और उन्हें कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे वकालत यहूद लईसतसारलाशय वकालत नसारा लईसतल यहूदई अल किताब और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी चीज़ पर नहीं और ईसाइयों ने कहा यहूदी किसी चीज़ पर नहीं हालांकि वो दोनों किताब पढ़ते हैं इसी तरह जो लोग इल्म नहीं रखते उन्होंने भी उनके कॉल से मिलती जुलती बात कही फिर कयामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान उस चीज़ का फ़ैसला फरमाएगा जिसमें वो इख्तलाफ करते थे और उससे ज़्यादा कौन हो सकता है जिसने लोगों को इस बात से रोका कि अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए और उन्हें उजाड़ने की कोशिश करे इन रोकने वालों के लायक तो ये था कि इनमें डरते हुए दाखिल हों यानी ये जो मजाविर बने हुए हैं इस वक्त मस्जिद के और ख़ास तौर पर मुश्किन मक्का, जो कि मुसलमानों को उन्होंने निकाल दिया हुआ था एह मक् से और ख़ुद ही वहाँ पर मौजूद होते और वहाँ पर शिरक़ प्रैक्टिस करते तो अल्लाह ताली फरमाते हैं ये ये तो दूर की बात है इनका हक हो कि ये मस्जिदों से अहले ईमान को आने से रोकें इनका तो अपना दाखला भी यहाँ बंद होना चाहिए और अगर ये आते भी हैं मस्जिद में तो इनको डरते हुए आना चाहिए मस्जिद में बजाय इसके कि ये दूसरों को रोकें इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है मसाजिद का अदब ना करना मसाजिद को उनके दुरुस्त इस्तेमाल uh, में ना लाना मसाजिद को आबाद करने वालों uh, से रोक के रखना यानी लोगों को आने ना देना उन मसाजिद में कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर uh, बनाया होना चाहिए तो ऐसे लोगों के लिए भी दुनिया में रसवाई और आखिरत में अजाब है और मशरक़ मगरब अल्लाह ही के लिए हैं लिहाजा तुम जिस तरफ भी मुँह करोगे वही है अल्लाह का चेहरा बेशक अल्लाह असत वाला खूब जानने वाला है और उन्होंने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली है अल्लाह इससे पाक है बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी के फरमाबरदार हैं वो आसमानों और ज़मीन का अनोखा मूजद है अनोखा मूज है बदी है बदी अल्लाह ताला का एक सफ़ाती नाम है कि जो बग़ैर किसी मॉडल के तैयार करता है चीज़ को और जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो उसके मुतालिक यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है और इन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती इसी तरह उनके कॉल से मिलती जुलती बात इन लोगों ने भी कही थी जो उनसे पहले थे उनके दिल यकसा हो गए इंसान एक जैसी सोच ही रखता है चाहे उसकी मादी तरक्की कहाँ से कहाँ पहुँच जाए तो बेशक हमने यकीन करने वालों के लिए निशानियां बयान कर दी हैं बेशक हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और दोजखियों के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा अबू जहल क्यों ईमान न लाया आपकी कोशिशों के बावजूद अबू लहब आपका सगा चचा क्यों ईमान न लाया या नबी अलैहि वसल्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा आप कसूरवार नहीं हैं इंसान जो फैसला करता है वो खुद करता है अपनी हिदायत का या अपनी गुमराही का किसी दाई पर उसका जब वो अपनी बात बता देता है जब वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा देता है तो फिर वो उहदा बरा हो जाता है और यहूदी और ईसाई आपसे हरगिज राज़ी ना होंगे यहाँ तक कि आप उनकी मिलत की पैरवी करें कह दीजिए बेशक अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है और आपके पास जो इल्म आ गया उसके बाद अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला ना कोई हिमायती होगा ना ही कोई मददगार जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसकी तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत का हक है वही लोग उस पर ईमान लाते हैं और जो कोई इसका इनकार करता है तो वही खसारा पाने वाले हैं तिलावत का हक अदा करना नबी अलैहि वसल्लम ने आ, फरमाया था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा सो तिलावत सिर्फ़ तिलावत के लिए नहीं होनी चाहिए तिलावत कुरान की क़ुरान पर अमल के लिए होनी चाहिए क्योंकि और इसका कोई आ, होना चाहिए आ, इसका मकसद होना चाहिए तिलावत का और तिलावत का मकसद कि कुरान को हम पढ़ें कुरान से हम पढ़ने से जो सवाब मिलता है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ ही साथ हम कुरान को अमल के लिए पढ़ें हसन अल बसरी रहम्ला फरमाते थे कि कुरान को नाजिल किया गया कि ताकि इस पर अमल किया जाए और लोगों ने इसकी तिलावत ही को इसका अमल बना लिया यानी तिलावत करना अमल बन गया चाहे समझकर नहीं भी पढ़ रहे तो भी वो अमल बन गया तो ये हमारी खाम ख्याली है हाँ ये ज़रूर है कि कुरान की जो तिलावत है उस उसके बदले में एक एक हर्फ के बदले में इंसान को आ, दस दस नेकियों का अजर मिलता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ़ अलग है लाम अलग है मीम अलग है क़ुरान बहर हाल समझे बगैर पढ़ने के लिए नहीं आया कुरान इसलिए आया है कि इसको पढ़ा जाए और इस पर अमल किया जाए यही हक तिलावत है कि इसको समझा जाए और इस पर अमल किया जाए इसके फुट स्टेप्स के पीछे पीछे और उसी नक्शे कदम के ऊपर चला जाए वही लोग इस पर ईमान लाते हैं हक तिलावत अदा करने वाले ही इस पर ईमान लाते हैं और जो कोई इसका इनकार करता है तो वही खसारा पाने वाले हैं ए बनी इसराइल तुम मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और बेशक मैंने तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत दी थी और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के काम भी नहीं आएगा और ना उससे कोई बदल कबूल किया जाएगा और ना उसे कोई सिफारिश नफा देगी और ना उनकी मदद ही की जाएगी और जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद कलिमात के साथ आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया और वो चंद कलिमात क्या थे वो चंद कलिमात वो आजमाइशें थीं बड़ी बड़ी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर आईं पे दर पै आईं वो अभी यंगस्टर थे एक यूथ थे कि जब उनके ऊपर पहली आजमाइश आई थी अल्लाह के रास्ते में ये कि उनको आग में डाला गया और वो आग में कूद गए और फिर उसके बाद उनको घर से निकाला गया फिर उसके बाद पे दर पै उनके ऊपर कैसे कैसे मसाइब आए एक वो मिस्र का जो बादशाह है वो सारा अलैहिस्सलाम पर बेईमान हो गया फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद दी हाज़रा से तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको बेआब्या वादी में छोड़ आओ वहाँ भी छोड़ आए और वहाँ से जब वो बच्चा बड़ा हुआ और इब्राहीम ने उसके साथ मिलकर काबा भी तामीर किया और उस मौके पर तकरीबन तेरह चौदह साल की उम्र का जब ये बच्चा हुआ इसमाइल आलाम तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया इसको बा कर दो तो वो बाह करने पर भी तैयार हो गए और अपनी तरफ से तो उन्होंने बा कर भी दिया और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चंद कलिमात में आज़माया और उसने उन्हें पूरा कर दिया एक और जगह पर सुरा नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इब्राहीम अलजी वफ़ा इब्राहीम तो वो हैं कि जिन्होंने वफ़ा का हक अदा कर दिया वफा का हक़ कौन अदा कर सकता है वो वही अदा कर सकता है जो मिल्ल इब्राहिम पर चले जो इब्राहीम सलाम के तरीक़े पर चले और वो क्या तरीक़ा था इज़ाल रबु असलम कलाम तुल रबिलामीन जब भी उसके रब ने उसे कहा कि फ़र्मा बरदार हो जा ये बात मान जा ये काम कर ले उसने कहा मैं फर्मा बरदार हो गया डन या मैंने कर दिया कोई क्वेश्चन नहीं कोई ले तो लाल नहीं कोई देर नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं तुझे सब लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ हमारे यहाँ आप देखें कि हम ज़रा अपना रवैया देखें हम अपने आप को रसोल्ला सल्ह् वसलम की उम्मत कहते हैं हम अपने आप को इब्राहीम की उम्मत भी कहते हैं लेकिन हमारा हाल क्या है हमारा हाल तो ये है कि हमें जब साल में एक दफ़ा ज़कवात भी देनी पड़ती है और तो हमारी जान निकल रही होती है साथ के साथ ऐसे ऐसे, ऐसे बाज़ात लोग सवाल पूछते हैं कि जिससे यही मालूम होता है कि बस दिल यही कर रहा है कि कोई सूरत हो कि जक़ात ही देनी पड़े और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो माशा ऐसे ज़कवात देते हैं दिल की खुशी के साथ दिल की पसंदीदगी के साथ तो अल्लाह ताली उनके रिज़्क में बरकतें भी अता फ़रमाता है फिर तो अल्लाह ताला के अहमाम को फ़ौर फ़ौर मान लेना इब्राहीम का तरीक़ा है और फ़ौन मानने के साथ साथ उनके लिए अपने दिल में कोई नापसंदीदगी भी ना आने देना ये इब्राहीम का तरीका है फिर लीडरशिप मिली उनको और फिर इब्राहीम ने कहा और मेरी औलाद में से भी ज़ाहिर है कि एक इंसान को सबसे पहला ख्याल फिर अपनी औलाद का आता है कि ये जो ऑनर मुझे मिल रहा है क्या ये ऑनर ट्रांसफ़र होगा मेरी औलाद में तो अल्लाह ताला ने कहा मेरा अहद ालमों को नहीं पहुँचेगा यानी आप देखिए कि हिदायत ऐसी चीज़ है कि इब्राहीम जैसे नबी के अगर औलाद में से कोई ालम होगा ना तो उसको भी अल्लाह ताला आ, नहीं बख्शेंगे इब्राहिम सलाम की औलाद में से होना उसके किसी काम नहीं आएगा और जब हमने बैतुल्ला को लोगों के लिए बार बार लौट कराने की और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज़ बनाओ और हमने हुक्म दिया इब्राहीम और इसमाइल आलम को कि तुम दोनों मेरा घर पाक करो तवाफ़ करने वालों एतकाफ़ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए और जब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब इस जगह को अमन वाला शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाए उन्हें फलों से रिस्क दे यानी जब पहले मांगा ना औलाद के लिए तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया मेरा अहद ालमों तक नहीं पहुंचता, तो वो बात थी नबुवत की और हिदायत की लेकिन इब्राहीम अल्लाह ताला का जवाब सुनकर इतने मोहतात हो गए कि दुनियावी नमतों के बारे में भी उन्होंने अल्लाह ताली से अर्ज़ की किल्ला उन्हीं को देना जो अल्लाह और रोज़ आख़रत पर ईमान लाए तो अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों के बारे में क्या फरमाया और जिसने कुफर किया तो मैं उसे थोड़ा सा फ़ायदा दे दूँगा ये दुनिया की ज़िंदगी में काफिरों को जो कुछ भी मिल रहा है चाहे वो दुनिया जहान के लेविश लाइफ हैं उसके बावजूद भी वो है क्या वो थोड़ा फ़ायदा है फमती कलीलन तो मैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा दे दूँगा फिर मैं उसे आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूँगा और वो लौटने की बुरी जगह है और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैतूल की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और दुआ कर रहे थे रबना तकब्बल मन्ना इन्नकसमअलीम ए हमारे रब तू हमसे ये नेकी कबूल कर ले बेशक तू ही खूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है और जो नेक लोग हैं और जो अल्लाह ताला की मारफ़त रखते हैं उनका तरीक़ा यही रहता है कि वो नेकी करते हैं तो उस नेकी पर फिर आ, अकड़ के नहीं बैठ जाते या उसी पर इतफा करके नहीं बैठ जाते कि बस ये अच्छा काम अब मैंने कर लिया बस ये मेरे जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी बल्कि वो साथ साथ डरते हैं कि कबूल हो जाए अल्लाह के हाँ हमारा काम ऐसा ना हो कि हम तो मेहनत करते रहें लेकिन शर्फ़ कबूलियत हासिल ही ना हो तो फिर हमारा क्या बनेगा इसी तरह जैसे सरा अलमोमिन में भी आता है ना के देते हैं जो कुछ भी वो देते हैं और दिल उनके लरस रहे होते हैं तो आयशा रदी ने पूछा था कि यार रसोल्ल सल्ल वम ये कौन लोग हैं जिनके दिल लरस रहे होते हैं क्या ये कोई चोर हैं या ये कोई बदकार लोग हैं तो आप सल्ला वसलम ने फ़रमाया था कि आयशा ये अल ईमान है कि जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है वो नेकी करते हैं और साथ साथ वो लरस रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कबूल ना हो हमें हर वक्त इस बात से डरते रहना चाहिए और कभी भी अपने अमाल पर इतफ़ा करके नहीं बैठ जाना चाहिए और बहुत से अमाल ऐसे भी हमारे होते हैं कि जो हमारी बहुत सी की हुई नेकियों को ज़ाया भी कर सकते हैं लिहाजा अल्लाह ताला से हर नेकी के बाद ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू कबूल फरमा ले ए हमारे रब और हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से एक जमात को भी अपना फर्मा बरदार बना और हमें हमारी इबादत के तरीक़े सिखा और हम पर तवज्जो फ़रमा बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा रहम करने वाला है ऐ हमारे रब और इन लोगों के लिए उन्हीं में से एक रसूल भेज वो उनके सामने तेरी आयात तिलावत करे और उन्हें किताब और हमत की तालीम दे और उन्हें पाक करे बेशक तू ही गालिब खूब हमत वाला है और कौन बेरगबती कर सकता है मिलत इब्राहिम से सिवाय उसके जिसने अपने नफ्स को अहमक बना लिया कोई बेवकूफ़ ही ऐसा कर सकता है और बेशक हमने इब्राहिम को दुनिया में चुन लिया और यकीन वो आखिरत में ज़रूर नेकुकारों में से होगा और जब इब्राहिम से उसके रब ने कहा फर्मा बरदार हो जा वजह क्या है दुनिया में भी चुने जाने की आखिरत में सालीन में होने की वजह क्या है कि जब भी अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम से फर्मा बरदार हो जा तो उसने कहा मैं रब्बुलमीन का फर्मा बरदार हो गया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी कलमा हक़ की वसीयत की कि जब जब अल्लाह ताला की तरफ़ से हुक्म आए फौरन फौरन अल्लाह की बात को मान लेना और याकूब ने भी कि अ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है बस तुम्हें हरगज़ मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो आखिरी वसीयत पैगम्बर ख़ुदा की याकूब आम की अपने बारह बेटों को कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो क्या क्या जब याकूब को मौत आई अमाम तो उस वक्त तुम मौजूद थे जब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे फ़िक्र है तो क्या है कि मेरे बेटों का अकीदा मेरे बाद कहीं बिगड़ ना जाए तो उन्होंने कहा हम तेरे महबूद और तेरे बाप दादा इब्राहिम इस्माइल और इसहाक़ के महबूद की इबादत करेंगे जो एक महबूद है और हम उसी के फरमाबरदार हैं ये एक जमात थी जो गुज़र गई उसी के लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया और उनके अमलों की बाबत तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा ये एक बड़ा अहम एक असूल है इस्लाम का कि अपने बाप दादा और अपने आबाओ अजदाद के अगर वो नेक काम कोई कर गए तो उनकी डींगे मारते रहना उन्हीं को याद करते रहना ये बड़ा ट्रेंड है आजकल देखा जा रहा है कि ये ज़रा ज़्यादा होता जा रहा है ये ट्रेंड कि अपने आबाओ अजदाद की तस्वीरें उनके कारनामे आप अगर ख़ुद उनके जैसे नहीं हैं तो फिर आपको कोई चीज ये बात फ़ायदा नहीं देगी कि वो क्या कुछ कर गए हैं और अगर आप उनके जैसे बन जाएंगे और अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे वो गुजार गए तो ही आपको फ़ायदा होगा सुलहजा दुनिया में बहुत ज़्यादा इन बातों पर डवेल नहीं करना चाहिए कि हमारे बाप दादा ऐसे थे बहुत से लोग होते हैं कि जिन्होंने पूरी की पूरी तकरीरें बना रखी होती हैं कि हमारे वालद ऐसे हमारे दादा ऐसे हमारे पड़दादा ऐसे और ख़ुद जो हैं अगर उनके नक्श कदम पर नहीं हैं अगर वो नेक लोग थे अल्लाह के यहाँ और अगर आप उनके नक्श कदम पर नहीं हैं तो आपसे तो क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि वो क्या करते रहे आपसे ये सवाल होगा कि आप क्या करते रहे और उन्होंने कहा तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे कह दीजिए नहीं बल्कि हम तो मिलत इब्राहिम की पैरवी करते हैं जो हक का परस्तार था और वो मुशरक़ों में से नहीं था तुम कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर भी जो हमारी तरफ़ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम इसमाईल इसहाक याकूब आसलम और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया हम उनमें से किसी एक के दरमियान भी तफरीक नहीं करते और हम उसी के फर्माबरदार हैं ये इस्लाम की इनफरादियत है ये वो यूनिक एक बिलीफ है कि जो सिर्फ़ अहले ईमान का मुसलमानों का है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का है कि हम हर नबी की इज़्ज़त करते हैं हम हर नबी को बतौर नबी मानते हैं और हम अम्बिया के सिलसिले में से किसी एक का भी अगर इनकार करेंगे तो गोया वो तमाम सिलसिले का इनकार होगा क्योंकि ये सब जो है ये एक लड़ी में पिरोए हुए लोग हैं और ये एक ही तालीम लाए हैं हर नबी अपनी उम्मत का पहला मुसलमान था हर नबी की सबसे पहली जो तलकिन थी अपनी कौम को वो तोद की थी और क़ुरान जो है वो लेटेस्ट एडिशन है इन पूरी तमाम वही का और तमाम उस सिलसिले का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं हम किसी की भी तफरीक नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं फिर अगर वो अहल किताब उस चीज़ पर ईमान ले आएँ जिस पर तुम ईमान लाए हो और यहाँ पर तुम से मुराद साहबा कराम ली गई है तो बेशक वो हिदायत पा जाएंगे और अगर वो मुँह मोड़ें तो फिर वही हैं मुखालफत में सो उनके मुकाबले में तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है अब्दुल्ला बिन मसूद रदीलानू फरमाते हैं कि अल्लाह तला ने अपने बंदों के दिलों पर नज़र फरमाई तो कल्बे महम्मद सल्ला वसलम को बंदों के दिलों में सबसे बेहतर पाया इसलिए अल्लाह ने उनको अपने लिए मंतखब फ़रमाया और उन्हें पैग़म्बरी का शर्फ़ अता करके मबूस फ़रमाया फिर कल्ब महम्मद सल्ह वसलम के बाद दोबारा अपने बंदों के दिलों पर नज़र फ़रमाई तो नबी सल्ह वसलम के सहाबा कर राम रिजवानल अजमैन के दिलों को सबसे बेहतर पाया चुनाच अल्लाह ने उन्हें अपने नबी का साथी बना दिया जो उनके दीन की बका के लिए किताल करते हैं इसलिए मुसलमान जिस चीज़ को अच्छा समझें वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है और जो चीज़ मुसलमानों के निगाहों में बुरी हो वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरी है तो ये एक क्राइटीरिया है सहाबा कराम के ईमान को हमारे लिए कसौटी बना दिया गया है हमें सहाबा को जानना बहुत ज़रूरी है सलमान फारसी रदी की क्या कुर्बानियाँ थीं उनके क्या सफ़र थे वो कहाँ से निकले वो कहाँ पहुँचे उनकी सारी ज़िंदगी की जस्तजू उनकी इस्तकामत हमें क्या सबक देती है आज खालिद बिन वलीद रदीलानों की ज़िंदगी में मेरे और आपके लिए क्या क्या ہیں हैं खलफा राशिदीन को तो हम पढ़ लेते हैं उनको भी जब हम पढ़ते हैं तो हम कहानियों की सूरत में पढ़ लेते हैं और जब हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो फिर वो जो कोई अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें अपसेट करती है कोई जंगों के हवाले से तो बस हम उसी में अपने दिमाग को खपा देते हैं बजाय इसके कि हम इन अजीम हस्तियों के और इन पाकिज़ा हस्तियों के जिनके ईमान की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान में दी जिनके लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया रदी अल्लाहम व रदु अनहु अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें और उनके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करें इसलिए कि ईमान मोतबर ही उसका है जिसका ईमान वैसा होगा जैसा उन लोगों का था फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सिबगत अल्लाह अल्लाह का रंग इख्तियार करो और रंग के लिहाज से अल्लाह से ज़्यादा अच्छा कौन है और अल्लाह का रंग क्या है हमारा ये दीन अल्लाह के रंग में रंग जाना क्या है अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इतवा में रंग जाना और हम उसी की इबादत करते हैं कह दीजिए क्या तुम हमसे अल्लाह की बाबत झगड़ते हो हालांकि वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल और हम खालिस उसी के लिए अमल करने वाले हैं क्या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे कह दीजिए क्या तुम ज़्यादा जानने वाले हो या अल्लाह और उससे ज़्यादा कौन है जिसने वो गवाही छुपाई जो अल्लाह की तरफ से उसके पास है इनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही मौजूद थी और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम करते हो यह एक जमात थी जो गुज़र गई उसी के लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारी लिए है जो तुमने कमाया और तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल करते थे सय्क़ुल्फ़ी उमिन नासिमा वाहबल मल्लति कान पुल्लामशर वमरब जल्द ही बेवक़ूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन मुसलमानों को उनके उस किबले से किस चीज़ ने फेर दिया जिस पर ये थे कह दीजिए और के लिए हैं वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है ये तहवील किबला हुई थी क्योंकि जब रसोल्ला सल्ला मक्का में थे तो आप सिर्फ़ उस दीवार की तरफ रुख करते थे कि जो रुकने यमानी और हजर असवद के दरमियान है और इस तरह से आपका रुख ख़ाना काबा की तरफ भी होता था और बैतुलमकद्दस की तरफ भी होता था लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो ये दोनों डायरेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल अपोज़िट हो गईं और अगर आप बैतलमस की तरफ रुख करते तो आपको पीठ करनी पड़ती थी बैतुल्ला की तरफ और यही तरीका रहा इब्तः के 16-17 महीने और ये मुसलमानों को ज़ाहिर है कि मुश्किल भी लगता था और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शदीद ये ख्वाहिश भी थी कि बैतुल्ला को ही किबला बना दिया जाए तो फिर अल्लाह सुबह वाली ने को किबला करार दे दिया मुसलमानों का और इस पर भी बड़ी बातें हुईं मुनाफिकीन ने भी कीं यहूद ने भी कहीं लेकिन अल्लाह ताला ने यकसर उस बात को ख़त्म कर दिया ये फरमा कर के और जैसे तुम्हें हिदायत दी इसी तरह हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हों हम अफसल उम्मत हैं लेकिन अफसलियत यह नहीं है कि हम कोई बग़ैर हिसाब के जन्नतों में चले जाएंगे अफसलियत ये है कि इस दुनिया में हमारे ज़िम्मे बहुत इम्पॉटेंट एक काम लगा दिया गया है ये अफ़लियत है और वो काम क्या है अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना ताकि क़यामत के दिन आप लोगों पर यह गवाही दे सकें कि अल्लाह हमने पैगाम पहुँचा दिया था और रसूल तुम पर गवाह हूँ कि अल्लाह मैंने अप तेरा पैगाम इन लोगों तक पहुँचा दिया था हजरतलबा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो फ़रमाते थे अल्लाह मरशद अल्लाह अलबल अल्लाह अलबल क्या मैंने पहुंचा दिया और फिर जब सहाबा कहते कि या रसोल्ला आपने पहुंचा दिया अल्लाह का पैगाम तो आप फरमाते या अल्लाह तू गवाह रहना तो ये है अफजलियत उम्मत मुस्लिमा की ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि जिसके बाद हम दुनिया में ही कहें कि हम तो बख्शे बख्शाएं हैं बल्कि हमारे ज़िम्मे तो एक बहुत बड़ा काम है और अगर हम इन्हें यह ना किया तो आप देखें कि जब एक काम किया जाता है तो उसके कुछ असरात होते हैं और जब वो नहीं किया जाता तो उसके ऑपोज़िट असरात होते हैं और अगर हम ये काम नहीं करेंगे अल्लाह का दीन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों की असलाह और ख़ैर के जज्बे के साथ और इस जज्बे के साथ कि वो आखिरत में रसवा ना हो जाए कहीं तो फिर आ, उसका अपोज़िट असरात निकलेंगे फिर अफजल उम्मत होने की बजाय हम सबसे नीच उसमें भी जा सकते हैं और फिर इसी तरह से ये कि रसूल ने जो हम पर गवाही देनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे ख़िलाफ़ भी जा सकती है और फिर अगर हम लोगों पर गवाह ना हो सके तो लोग हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं कि अल्लाह क्या दुनिया में इन्होंने हम तक तेरा पैगाम नहीं पहुँचाया हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि तेरे मुसलमान बंदे पता नहीं कहाँ थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किबले बैतुल बैतलमस पर आप पहले थे उसे तो हमने सिर्फ ये जानने के लिए मुकरर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है और बेशक ये किबला की तब्दीली बहुत भारी है काफिरों पर मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत नरमी करने वाला बड़ा रहम करने वाला है हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए पीछे आयत नंबर 143 में अल्लाह सुबहान ने एक अपने लिए जो अपना सिफ़ाती नाम इस्तेमाल किया है यहाँ पर वो है हैऊफ़ुन रहीम अल्लाह बड़ा रऊफ़ है और बड़ा रहीम है तो वो तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा और ईमान से यहाँ मुराद है नमाज़ क्योंकि लोगों ने ये क्वेश्चन शुरू कर दिए थे कि अच्छा तो जिन्होंने पिछले सत्रह महीने जो नमाज़ें पढ़ी हैं उन नमाज़ों का क्या बनेगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्ह फ़िक्रिया है कि अगर हम अपनी नमाजों ही की हिफाज़त नहीं करते और हमारे बच्चे अगर नमाजें नहीं पढ़ते तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ईमान की इंतहा दर्जे की कमज़ोरी है क्योंकि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कहा ही है कि ये ईमान है नमाज ईमान है तो जब नमाज़ नहीं है तो फिर ईमान किधर है फिर इसमें अल्लाह सुबहान वाली की जो दो सिफ़ाती नाम आए हैं अरअूफ़ और अर्रहीम तो रऊफ़ का लफ्ज़ जो है ये राफ़त से है और राफ़त जो है ये रहमत से नेक्स्ट लेवल की एक मोहब्बत और नरमी और मेहरबानी है अल्लाह ताला अपने बंदों पर माँ से भी ज़्यादा रहम करने वाला है और दुनिया में भी रहम करता है और आखिरत में भी रहम करता है और इस राफ़त का इस रहमत का जो एक तकाजा है वो ये है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए हिदायत की राहें खोल देता है और उनको दुनियावी उमूर में भी आसानियां पैदा कर देता है तो अल्लाह ताला से आसानी मांगनी हो तो अल्लाह ताला के नाम रऊफ़ के ज़रिए से भी आप अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं इसलिए कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया हुस्ना उलहसन फ़जऊ अल्लाह ताला के सारे अच्छे अच्छे नाम हैं और उन नामों के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारा करो और ये राफ़त है अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का रऊफ़ होना ही है कि वो हमें आख़िरत से पहले आखिरत के मामलत के बारे में बता रहा है ये भी उसकी नरमी है और हमदर्दी है हमारे साथ कि हमें पता चल जाए कि हम किस चीज़ को फ़ेस करने वाले हैं हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं तो हम ज़रूर आपको उस किबले की तरफ़ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं फिर आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ़ फेर लें और जहां कहीं भी तुम हो अपने मुंह उसकी तरफ़ फेर लो और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो ज़रूर जानते हैं कि बेशक ये उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो वो अमल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इन लोगों के पास हर किस्म की निशानी ले आए जिन्हें किताब दी गई तो भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं और ना इनमें से कोई गिरोह दूसरे गिरोह के किबले की पैरवी करने वाला नहीं और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की उस के बाद जो आपके पास आ चुका है तो यकीनन उस वक्त आप जालिमों में से हो जाएंगे जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं यानी पहचानने का एक्सटेंट जरा देखिए कि ऐसे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं हजारों का सैकड़ों का भी मजमा होना तो आप दूर से अपने बच्चे को आप पीछे से भी पहचान लेते हैं इतनी ज़्यादा अल्लाह हमारे अंदर कॉग्निशन रखी है अपने फ्लैश एंड ब्लड की तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वैसे ही अल्लाह के रसूल को पहचानते हैं और बेशक इनमें से एक गिरोह ज़रूर हक को छुपाता है हालांकि वो जानते हैं अलक् रबिका फ़लातकून न मिनल मुमतरीन ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से लिहाजा इसके मतलक तुम हर शक में ना पढ़ना और हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो मुँह फेरता है फस्त तबिकल खैरात तो तुम नेकियों में सबकत करो नेकियों में आगे बढ़ो इस बहस में मत पढ़ो कि पहले किबला ये था और अब किबला वो हो गया है बल्कि तुम लोग नेकियों में सबकत करो अल्लाह ताला इसी चीज़ को तो असल में पसंद करता है कि इंसान ने अपने लिए लाया अमल क्या बना के रखा है इस ज़िंदगी के लिए लायामल ये होना चाहिए कि अगर मुकाबला भी करना है ना तो नकीियों में करो और वह मुकाबला भी फिर नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि मैं फ़लाँ से आगे निकल जाऊँ नीयत बहर हाल अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए लेकिन नेकियों में एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए फ़स्तबुलखरत खैरात न मात कूनू या अतिबिकुमल्ला जमी आ जहाँ कहीं भी तुम हो गए अल्लाह तुम सब को ले आएगा बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है और ए नबी अलैहि वसल्लम आप जहाँ से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और बेशक वो आपके रब की तरफ से हक है और अल्लाह उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो और आप जहाँ से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और मुसलमानों तुम जहाँ कहीं भी होगे अपने मुंह उसी की जानब फेर लो ताकि तुम्हारे खिलाफ लोगों के लिए कोई हजत ना रहे कि ये मुसलमान जो हैं, इनका किसी का मुंह एक तरफ उठा हुआ है और किसी का मुंह दूसरी तरफ उठा हुआ है इनमें तो आपस में इत्तेफाक ही नहीं है यूनिटी ही नहीं है ये यूनिटी के लिए हमें दे दिया गया एक मरकज और इस मरकज से ही अहकाम आएंगे यही हमारी सोर्स है हिदायत की शरिया की हाँ इन में से जिन्होंने जुल्म किया वो बातें करते रहेंगे बस तुम उनसे मत डरो फला हम उनसे मत डरना बख्श और सिर्फ़ मुझसे डरो ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पाओ खशियत और डर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुबहान ताली का होना चाहिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ें निजात देने वाली हैं जिनमें से एक छुपे और जाहिर अल्लाह की खशियत है इसी तरह से रसोल्ला सल्ह वसलम ने फ़रमाया तुम अल्लाह से इस तरह डरो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो कम अज़ कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह तो तुमको देख रहा है इसी तरह से जो खशियत है ये मुत्तकीन का भी है अल्लाह तआला ने ख़ुद कुरान में फरमाया कि मुत्तकीन हैं कि जो अल्लाह की खशियत रखते हैं जो अल्लाह से डरते हैं इसी तरह से एक और जो कैटेगरी है जो अल्लाह से डरने वाली है वो अम्बिया कराम है ये अम्बिया की सि, सिफ है व यक्षलाकशुनादन के वो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के सिवा वो किसी से नहीं डरते फिर अम्बिया के बाद जो अम्बिया के वारिस करार दिए गए हैं उनके बारे में सुरः फ़ातर में अल्लाबहन वत फ़रमाते हैं इन्नम यक्षशल हम इबादलम कि अल्लाह से उसके बंदों में से डरने वाले वो हैं कि जो हैं यानी जो इल्म आपके दिल में खशियत पैदा नहीं करता अल्लाह की अल्लाह का डर पैदा नहीं होता आप अपनी औकात में नहीं आते बात ये होता है कि हम इल्म सीखकर थोड़ा बहुत हमें आता है तो औकात हम भूल जाते हैं और हम समझते हैं कि हमारे जैसा नॉलेजेबल तो कोई है ही नहीं बल्कि जितना इल्म आता है उतना ही इंसान को समझ आनी चाहिए कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता मुझे तो कुछ भी नहीं पता तो ये खशियत जो है ये इंतहाई ज़रूरी है इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए क्योंकि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह की खशियत रखता है वो अल्लाह ही की तरफ रागब होगा और जो अल्लाह की तरफ़ रागब होता है तो लामोला वो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करता है और जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें तमाम करता है उसको हिदायत का रास्ता दिखाता है एक चीज़ है साइकोलॉजी में उसको बोलते हैं फ़िनिना है पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस जो हैं ये होते हैं यानी कि इंसान के अंदर जो कोई पॉजिटिविटी पैदा करते हैं इंसान उनको जब महसूस करता है तो उसके अंदर मसबत तब्दीली आती है ये मेनली बहुत से हैं ये बेशुमार हैं इनफैक्ट क्योंकि इंसान की जो शख्सियत है पर्सनैलिटी है उसमें तो नित नए जज्बात जो हैं वो आते रहते हैं लेकिन दस इमोशंस को पिन पॉइंट किया है साइकोलॉजिस्ट्स ने उनमें से एक इमोशन इन दस के दस इमोशंस का इनशाला हम वक्ता फवक्तन तस्करा करेंगे कि कहाँ कहाँ ये कुरान और हदीस में हमें इनके बारे में क्या क्या पता चलता है तो एक इमोशन जो है वो है कि आप ओ में आएँ आप डरें आपके ऊपर किसी का रोब पैदा हो आप किसी के जलाल से डरें और वो कहते हैं अब उनके यहाँ मज़हब जो है वो भी वैसे ही है जैसे एवोल्यूशन है वो कहते हैं हाँ चाहे तो आप एवोल्यूशन से डर जाएं, एवोल्यूशन का ओ आ जाए हाँ आपको अगर पहाड़ों के ओ में आना है तो आप पहाड़ों के ओ में आ जाएं ओशन्स को देख लें इतनी लार्जर देन लाइफ एक ये भी एक अल्लाह एक क्रिएशन है और एक चीज़ है तो आप इसके ओ में आ जाएं इसके अंदर कितनी लाइफ है इसके अंदर कितना कुछ है ये इंसान की ज़िंदगी मौत बात इसके हवाले हो जाती है तो आप इसके ओ में आ जाएं और आप देखिए कि इस्लाम और अल्लाह का दीन हमें किसके के में आने को कहता है सिर्फ़ एक हस्ती का अओ और वो है अल्लाह जो ओशन्स का भी क्रिएटर है पहाड़ों का भी क्रिएटर है और एवोल्यूशन तो खैर इनकी अपनी एक अखतरा है उसके ऊपर किसी और वक्त पे हो सकता है कि बात हो जाए लेकिन अ में आना इंसान के अंदर जो मस्बत तब्दीली पैदा करता है तो अगर वो किसी ओशन के ओ में आए और कल को ओशन जो है वो रास्ते ही बदल ले या ओशन जो है वो ड्राई अप हो जाए, या पहाड़ जो है वो रेजा रीजा हो जाए, किसी ज़लजले में पहाड़ जो है वो ख़त्म ही हो जाए सफ़ाई हस्ती से ही मिट जाए तो फिर जिसने किसी ऐसी मखलूक़ का अ किया कि वो उसके वहाँ पे रही ही नहीं तो वो कितना लॉस्ट होगा वो इंसान फिर कहाँ जाएगा वो फिर अपने लिए एक और नई हस्ती तलाश करेगा जिसके औ में वो आए फिर पहले वो उसको जज करेगा कि हाँ क्या मैं इसके औ में आ सकता हूँ तो औ जो है वो हमारी नेचर के अंदर है हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर है हमें होना चाहिए लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हस्ती का होना चाहिए कि जो इसकी जिसके शायान शान है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की हस्ती है और यही और जो है ये ख़शियत है ख़शियत से इंसान के अंदर वो मस्बत तब्दीली पैदा होती है कि इंसान फिर अल्लाह के सिवा किसी और से डरता ही नहीं है अल्लाह ताला की हस्ती से जब कोई डर गया उसके अंदर से इंसानों के सारे डर जो है ना वो निकल जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला वली उतिम अलैकुम फलामी और ताकि तुम पर मैं अपनी नेमत पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पाओ जैसे हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा वो तुम पर हमारी आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे ये रसोल्ला सल्ह वसम के सारे काम हैं ये नबी सल्ह् वसम की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि सबसे पहले आयात की तिलावत फिर उसके बाद किताब व हमत की तालीम और फिर तजिया नफ्स और फिर उन चीज़ों की तालीम जिसे लोग नहीं जानते कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि जो के बजरिया वही ही पता चल सकती थी उसके अलावा पता चल ही नहीं सकती थी और इसी तरह से कुरान की तिलावत उसका अरबी का लहजा उसके मखारज उसकी सिफात वो सब उनकी अदायगी नबी सल्ह वसलम ने फरमाया कि अपनी आवाज़ों के ज़रिए से क़ुरान को मुजीन करो यानी खूबसूरत लहजे में इसको पढ़ना फिर इसी तरह से इस किताब की तालीम और हिकमत की बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीस की तालीम और तजकिया नफ्स तजकिया जो है ये एक बहुत मेजर काम है क्योंकि किताब व किताबोकमत की तालीम के अंदर ही फिर तज्िया भी आ जाता है क्योंकि इसी के थ्रू तज्िया किया जाता है और मेन जो मकसद है इन तलीमत का वो यही है कि इंसान जिसमानी तौर पर भी पाक हो जाए और रूहानी तौर पर भी पाक हो जाए मिसाल के तौर पर आप देखिए कि रसोल्ला सल्ला व सामने सैद आयशा रदी तन ने एक मरतबा किसी ख़ातून का जिक्र हुआ दूसरी अजवाज मतहरात में से तो उन्होंने उनके छोटे कद होने की तरफ एक हाथ से इशारा किया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुमने ऐसी बात कही है कि अगर इसको समंदर में डाला जाए तो वो कड़वा हो जाए तो आप देखें तजकिए का तरीका कितना ज़बरदस्त है कि इस तरह से एक बात बता दी गई कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी बातें जो हैं वो लोगों में और आ, इस माशरे में रस गोलें और वो लोगों के लिए एक मिठास का बायस हों तो वो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा वो कभी भी किसी की हिब्बत नहीं करेगा क्योंकि आप देखें कि ये कितना ख़ूबसूरत अंदाज है किसी को हिब्बत से रोकने का किसी का तजिया करने का कि बात को उसी पर पलटाया जाए कि तुम्हारी बात कड़वी है उसके अंदर वो ऐब है चाहे नहीं है वो अलहदा बात है वो तो एक बिल्कुल फ़र्क कहानी है तुम अपनी बात करो तुम क्या हो कि तुम्हारे अंदर से इतनी कड़वाहट निकल रही है इतनी कड़वाहट निकल रही है कि वो समंदर को कड़वा कर दे तो आप देखिए कि बताने के अंदाज़ नबी अलैहि वसल्लम के कितने इफ़ेक्टिव थे कि फिर सहबा कराम से हमने नहीं देखा कि सहबा कर की ज़िंदगियों में उनके आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हुए हैं बड़ा कुछ इख्त भी हुए हैं उनके लेकिन कभी किसी ने किसी की हिब्बत नहीं की है और ये उसी तजकिए का एक फल है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने इफेक्टिव तरीके से किया चुनाचे तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी ना शुक्री ना करो अल्लाह ताला ने क्या ज़बरदस्त एक सीक्वेंस बनाया है कि जब तुम्हारा किरदार चमक उठे और तुम्हारे अंदर बेहतरीन अख्लाक आ जाए जो लोगों के लिए खैर का बायस हो तो उस वक्त तुम्हारे करने का काम क्या है साथ के साथ फज कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफ़ुर मेरा ज़िक्र किया करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा मेरा शिक्र किया करो और मेरी ना शिक्री ना किया करो अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बेहतर है वला ज़िक्राल्ला अकबर अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी ज़बाने अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए हमें कोई ना कोई काम ऐसा ही कर रहे होना चाहिए कि जो अल्लाह के ज़िक्र के रैलम के अंदर आता हो उससे निकला हुआ कोई भी काम जो लगवियात हैं जो टाइम वेस्टर्स हैं उनको हमारी ज़िंदगी में रमज़ान में तो बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए हमारी बाकी ज़िंदगी से भी निकल जाना चाहिए मोमिन को तो पता होना चाहिए कि उसका एक एक लम्हा कितना कीमती है आप देखें कि कभी ट्री प्लांटेशन का हफ़्ता आता है ना तो कितनी एफर्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए कि आप प्लांट्स ख़रीदते हैं या प्लांट्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं आप लाते हैं आप घर में लाते हैं आप लगाते हैं आप उसको नर्चर करते हैं साल हर साल के बाद आपका दरख्त बनता है वो भी बहुत थेरेप्यूटिक है वो करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कुछ दरख्त ऐसे हैं जो एक सेकेंड में लग जाते हैं और वो हैं सुबहान अभी हमद ही सुबहान अहदीन से सुबहानल्ला वल्हमदिल्ला वला अला वल्ल अकबर चार दरख्त तो फिर मोमिन अल्लाह के जिक्र से कैसे बेनियाज हो सकता है कि जब उसको इतनी दौलत मिल रही होती है कहीं ऐसा ना हो कि मौत यूं आए और फिर इंसान पछताता रहे कि ओह हो अपने अलॉटेड प्लॉट के अंदर ट्री प्लांटेशन तो की ही नहीं फलदार दरख्त खजूरों के दरख्त तो लगाए ही नहीं सादार दरख़्त तो लगाए ही नहीं तो अपने वक्त को ज़िक्र में इस्तेमाल करें और इसी तरह से रसोल्ला सल्ह वसम ने फ़रमाया मन का ना आखिर कलामी ही ला अ दखल जन्न जिसका आखिरी कलाम ला अआ वह जन्नत में जाएगा तो अपने आप को ला अ कहने की ऐसी आदत डालिए कि मौत के वक्त इंसान को कलिमा नसीब हो और ज़िक्र का एक बहुत बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला की माइत हासिल होती है अल्लाह ताला का साथ हासिल होता है अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब तक वो मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने दोनों होंटों को हिलाता है तो आप देखिए कि अल्लाह ताला की बहुत सी जो तस्बीहात हैं ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखनी चाहिए सुबहान अल्लाहद्ल ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह व बिहमदिही ला अल्लाकबर सुबहानल् वब हमदही सुबहानल्लाजीम लाउलवत बिल्ला अरश के ख़जानों से खजाना है फिर इसी तरह से या याहैयू या बराहमति या बिरहमतिका अस्तगीस और बहुत सी और तस्बीहात आपको मिलती हैं और दरुज शरीफ इन सब को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह से अपनी जो सुबह शाम की दुआएं हैं इनके अलावा अपनी रूटीन में कुछ अज्कार ऐसे ज़रूर शामिल रखने चाहिए कि जिनसे इंसान की अल्लाह ताला की आ, कुर्बत में इजाफ़ा हो इसलिए कि ज़िक्र के जो फ़ायदे हैं ना उनमें एक तो ये कि ईमान में इजाफा होता है इंसान का दिल मुतम रहता है सकिनत में रहता है फिर इसी तरह से अल्लाह की मोहब्बत कुर्ब और ख़शियत के इजाफे का बास भी बनता है अल्लाह ताला का ज़िक्र और वैसे अल्लाह ताला के जिक्र की जो बेहतरीन शक्लें हैं ना वो नमाज और फिर नमाज़ के अंदर कुरान की तलावत वो तो फिर मज़ीद एक हो गया आपके लिए बोनस कि आपने नमाज के अंदर कयाम किया और उसमें कुरान की तवील तलावत की कुरान एक बहुत बड़ा जिक्र है बज़ात ख़ुद अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया इन्ना नखन नज नज़ल नज़िक्रा व लहूल हाफून के हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया इस जिक्र को और वहाँ से जिक्र से मुराद कुरान है तो कुरान का पढ़ना एक बहुत बड़ा ज़िक्र है तो अल्लाह ताला के जिक्र से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए और साथ फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वशरूली और मेरा शुक्र अदा करो ज़िक्र और शिक्र ये ऐसी नमतें हैं कि जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का बायस बनती हैं फिर अल्लाह सुबह वाली फरमाते हैं वला तकफ़र मेरी ना शुक्री ना किया करो ना शुक्री जो है अनग्रेटफुलनेस ये बाज़ात इंसान के लिए बहुत मुश्किलें ले आती है इंसान को अल्लाह ताली ने जो नमतें दी हुई हैं वो नेमतें छिनने का बास इंसान की अपनी ना शुक्री बन जाती है और हम जो हैं हम इधर उधर तलाश कर रहे होते हैं उस वजह को कि वो नेमत थी तो वो छिन क्यों गई और या फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमें अल्लाह ताला ने आ, हमारे साथ बड़ी नावजबिल्ला ज़्यादा कर दी और हम वाई मी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर असल में इंसान को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और अंदर सोचना चाहिए कि हुआ क्या कहीं मुझसे तो नहीं कुछ ऐसा हो गया कि ये नेमत ज़ाइल हो गई मेरे से फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं या यादीन बेसब्रीलान ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और यहाँ पर तीन चीज़ें बता दी गई कि जो आपकी दुनियावी और उखरवी खुशहाली का बाइस हैं नंबर एक ज़िक्र अल्लाह की याद नंबर दो शुक्र अल्लाह की नेमतों पर एक मोहब्बत का रवैया और अमलन उन नेमतों को वहाँ इस्तेमाल करना जिन काम जिन कामों के लिए अल्लाह ने वो दी हैं यही शुक्र है और तीसरे सब्र मुश्किल आने पर सब्र का रवैया डट जाना इस्तकामत सब्र है तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वसतयीनों बेसब्री वसला या अयो अल्लीना आमनों बेसब्री वसला ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें तुम मुर्दा कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम शुरू नहीं रखते और हम तुम्हें किसी कदर खौफ और भूख से और मालों जानों और फलों में कमी करके ज़रूर आजमाएंगे आजमाइश आएगी और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए व बब शिरबरीन सब्र करने वाले खुशखबरी के हकदार होते हैं जब उनके ऊपर कोई ना कोई कभी फाइनेंशियल क्रांच आ गया कभी किसी अजीज की दु दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो उनका सब्र जो है वो उनके लिए खुशखबरी का बायस होता है और ये कौन लोग होते हैं सब्र करने का इनका तरीका क्या है वो लोग के जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना लाही व राज़ियून हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं ये लाही व अनिल जो है ना ये कलिमा इंसान के सब्र का इजहार है यानी वो अपनी बातों से सब्र का इजहार कर रहा है अपने कलाम से सब्र इजहार कर रहा है और उसका यही कहना उसके जिस्म पर भी अंदाज़ होता है उसको अल्लाह ताला एक सकीनत उसके ऊपर नाजिल कर देते हैं उसका पैनिक उसका एक जो एक अग्रेशन या शिकायत का रवैया वो दूर हो जाता है बाज़ बदकिस्मती से बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर कोई इस तरह की मुश्किल आती है उनको तलकिन के बावजूद वो इन्ना लाही व इन्ना अनह राज नहीं पढ़ते हालांकि अगर वो पढ़ लें और उनकी ज़बान से अल्लाह ताला से शिकायत के ही कलिमात निकलते रहते हैं हालांकि वो शिकायतें ना उनकी हालत को बदलेंगी ना अल्लाह का फ़ैसला तब्दील होगा लेकिन अगर वो इन्ना लाही व इन्ना अनह राज पढ़ लें तो दिल एकदम सुकून पा जाता है दिल के ऊपर सकीनत नाजिल हो जाती है क्योंकि ये अल्लाह का वादा है अल्लाह ताली फ़रमाते हैं उलाई का अल मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाई का हमलमतदून यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब की तरफ़ से बख्शिश और रहमत है और यही हिदायत याफ्ता हैं यानी जो पैनिक में और ग़म में और फ़िक्र में जो लोग पैनिक में और गम में और फ़िक्र में सब्र कर लेते हैं और अल्लाह सुबहन व तआला की रज़ा पा लेते हैं रहमत पा लेते हैं और हिदायत पा लेते हैं ये तीन नेमतें उन सब्र करने वालों को मिलती हैं तो अल्लाह ताला ये खुशखबरी दुनिया ही में दे देते हैं ऐसे इंसानों को और गम आ जाए ख़ुदा न खास्ता या किसी गम की याद आ जाए दोनों सूरतों में इंसान को इन्ना व इलैहि राजिऊन पढ़ के तो अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए और इस सूरत में फिर बहुत एक कंट्रोल में आ जाता है इंसान का जो इमोशनल स्टेट है ना वो बहुत नीचे आ जाती है फिर अल्लाह सुबह मताल फरमाते हैं बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं बस जो शख्स बैतुल्ला का हज या उमरा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि वो उन दोनों का तवाफ़ करे और जो शख़्स ख़ुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदर करने वाला खूब जानने वाला है बेशक जो लोग हमारे नाजिल करदा सरी दलाइल और हिदायत की बातों को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने लोगों के लिए उनको किताब में खोल कर बयान कर दिया है वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और सब लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं ये भी कितना ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ताला के दीन को छुपाएं और फिर लानत ज़दा हों यहाँ से बात शुरू होती है इब्राहीम के हवाले से कि एक औरत हाज़रा ने जब सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की थी और अकेली तन, तन औरत ने जो एक अपने शीरखार बच्चे के साथ वहाँ पे थी और वो ब्याव गया थी और कोई वसाइल नहीं थे और नज़र आने वाली कोई एक चीज़ भी नहीं थी कि यहाँ से पानी निकल आएगा उसके बावजूद वो ख़ातून अल्लाह पर तो्क्ल करते हुए उठी और उठ के जब उन्होंने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए तो अल्लाह सुबहान तला ने उस सई को इस तरह से कबूल फरमाया आप देखिए कि अल्लाह को कितना पसंद है इंसान की कोशिश करना इंसान का एफ़र्ट करना और वसाइल ना भी हों तब भी करना और बैठना रहना कि अच्छा ठीक है अब पानी मिलना हुआ तो मिल जाएगा अब यहाँ है तो नहीं मैं कहाँ से ढूंढूँ मैं अकेली औरत तब मैं कहाँ से चश्मा फाड़ के लाऊँ लेकिन जब वो उठी उन्होंने वो मायूस नहीं हुई अल्लाह से कि कुछ तो मिलेगा मुझे जब मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है तो मुझे ज़ाया नहीं किया जाएगा अल्लाह ताला से हुन ज़न उनके काम आया कि अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं करेगा फिर उनकी बग़ैर वसाइल के सारी सही उनके काम आई कि अल्लाह ताला ने उनको ज़ाया नहीं किया और अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ाया ही नहीं किया उनको नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसा चश्मा वहाँ से फाड़ निकाला कि जो आज के दिन तक और क़यामत तक पानी देता रहेगा जो कि इतना बाबरकत पानी है कि जिसको जिस मकसद के लिए भी पिया जाए वो मकसद पूरा होता है जिसमें पानी भी है और न्यूट्रिशन भी है इब्ने अबा से बयान करते हैं कि इब्राहीम हाज़रा को लेकर निकले और उनके साथ एक मिशकीज़ा था और जिसमें पानी था इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा इसी मिशकीज़े का पानी पीती रहीं और अपना दूध इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाती रहीं जब इब्राहीम मक्का पहुंचे तो उन्हें एक बड़े दरख्त के पास ठहरा कर अपने घर वापस जाने लगे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनके पीछे पीछे आईं जब मकाम खुदा पर पहुँचे तो उन्हें पीछे से आवाज़ दी कि ए इब्राहिम हमें किसके पास छोड़ कर जा रहे हो तो उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह के पास हाज़रा ने कहा रदी तो बिल्ला मैं फिर राज़ी हूँ अल्लाह से और फिर बयान किया कि फिर हजरत हाजरा अपनी जगह पर वापस चली आईं और उसी से पानी पीती रहीं और अपने बच्चे को पानी पिलाती रहीं यहाँ तक कि पानी ख़त्म हुआ और फिर वो उठी और सफ़ा और मरवा के दरमियान उन्होंने भागना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने वहाँ से चश्मा फूट फाड़ निकाला और यही सफ़ा और मरवा हैं कि जिनके बगैर ना उम्रा अब इनकी सही के बगैर मुकम्मल होता है और ना ही हज इनकी सही के बगैर मुकम्मल होता है तो आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला एक सही को एक तवक् को एक हसन ज़न को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको बाकी उम्मत के लिए मर्द औरत हर किसी के लिए नमूना बना देते हैं फिर अगली आयत जो हमने पढ़ी कि बेशक जो लोग हमारे नाजिल करदा सरी अलाइल और हिदायत की बातों को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने लोगों के लिए उनको किताब में खोल कर बयान किया है वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है और सब लानत करने वाले लानत करते हैं मगर वो लोग कि जिन्होंने तोबा की और अपनी असलाह कर ली और हक़ को खोल कर बयान किया तो वही लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला हूँ बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही थे तो वही लोग हैं कि जिन पर अल्लाह की फ़रिश्तों की और सब की लानत है वो इस लानत में हमेशा रहेंगे ना तो उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी अब यहाँ पर आप देखिए कि एक फेल कि जिसके हवाले से अल्लाह अल्ला ने इंसानों पर लानत की है वो क्या फ़ेल है वो ये है कि इंसान दीन की बात को छुपाए इंसान इल्म की बात को छुपाए नबी वसल्लम ने फ़रमाया कि जिससे किसी के किसी इल्म की कोई बात पूछी गई और वो उसको जानने के बावजूद उस बात को छुपाता है तो क़यामत के दिन एक आग की लगाम उसे लगाई जाएगी इल्म की बातें पूछी जाएं तो उनको किसी मॉरल प्रेशर के अंडर किसी पीयर प्रेशर के अंडर किसी माशरे की किसी आ, अगर वो रस्म से टकरा रहा है तो उसके तहत छुपाना नहीं चाहिए इल्म की जो बात है वो बता देनी चाहिए क्योंकि ये दीन का इल्म जो है ये कोई मेरा और आपका तो नहीं है लाया हुआ ये अल्लाह का लाया हुआ है हम क्यों अपोलोजेटिक हों हमें क्यों इस बात से इश्यू हो रहा है कि लोग अगर मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा फ़लाँ हुक्म और फ़लाँ हुक्म और उसके बारे में हम अपोलोजेटिक हो रहे हैं अपोलोजेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत से जो कंटेप्रेरी कुछ इस तरह के राइटर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ आ गई है अपोलोजेटिक इस्लाम का एक लिबादा ओढ़ लेना चार शादियों के बारे में नित नई बातें निकाल के लाना कि जिससे दूसरे खुश हो जाएं इवन आयशा रदी की एज के बारे में बिला वजह की एक गुफ्तगू और बहसें शुरू कर देना जबकि सही अहदीस से साबित है उनकी सारी एज का मामला तो ये अपोलोजेटिक होने की बजाय आप पूरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएं लोगों को कि हाँ ये है और ये ऐसे है और इसकी यही ये समझ आती हैं हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने दीन को ट्विस्ट करें हमें इसका कोई हक़ नहीं अल्लाह ताला ने दिया, ना छुपाने का और ना ही उसको ट्विस्ट करने का और तुम्हारा मबूद एक ही है उसके सिवा कोई मबूद नहीं वो नहाय मेहरबान रहम करने वाला है बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और रात और दिन के बदल बदल कराने जाने में और उन कश्तियों में जो समंदर में उन चीज़ों को लिए चलती हैं जो लोगों को नफ़ा देती हैं और अल्लाह के नाजिल करदा आसमानी पानी में कि फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को जो मुर्दा हो चुकी थी ज़िंदा किया और उन हर किस्म के जानवरों में जो उसने ज़मीन में फैलाए हैं और हवाओं के फेरने में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान पाबंद कर दिए गए हैं अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं ये हैं आयात कौनिया और ये कुरान में फैली पड़ी हैं बिखरी पड़ी हैं और ये किस लिए हैं कि इंसान गौर फिक्र करे तदब्बर करे तफक् करे कश्ती कैसे चलती है आसमान में बादल कैसे मुशर हैं गिर क्यों नहीं पड़ते ये इतनी हल्की सी चीज़ इसके अंदर से इतना ज़्यादा पानी कहाँ से निकल आता है ये सारा कुछ क्या है जिसको आज हम साइंस का नाम देते हैं और हम कहते हैं कि ये मैयर हो जाती है और इसका ये ये तरीका है इसमें हाइपोथिस बनते हैं इसमें थेरीज़ बनती हैं इसमें एक्सपैरमेंटेशन होती है ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर इंसान को ये सब कुछ करना चाहिए इससे बहुत सी ऐसी तरक्की होती है कि जो इंसान के फ़ायदे की भी होती है लेकिन इस सारी चीज़ में एक सबसे अहम बात जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हमें ये पक्का यकीन होना चाहिए कि सब कुछ ख़ुद नहीं हो गया इसका एक क्रिएटर है और वो अल्लाह है ये सब खुद नहीं होता क्यों कभी बारिशें होती हैं और कभी फिर उस मौसम में जिसमें होनी होती हैं और एक्सपेक्टेड होती हैं तो नहीं होती क्यों एक ही माँ बाप के तीन या चार बच्चे बिल्कुल फ़र्क फर्क होते हैं क्या वजह है अल्लाह सुबहान हमें बार बार कुरान में बताते हैं कि ये अल्लाह ताली की निशानियाँ हैं ये अल्लाह ताली की निशानियों में से है कि जो ये हवाएँ कभी ब्रीज़ होती है कभी साइक्लोन आ जाता है कभी आंधी इतनी तेज़ आ जाती है हलाक करके रख देने वाली हवाएं भी आ जाती हैं और ख़ुशखबरी लेने वाली भी आ जाती हैं ये कौन करता है और ये डिसाइड कौन करता है वो अल्लाह है तो लिहाजा आयात कौनिया के ज़रिए से अल्लाह सुबहान तक पहुँचना और अल्लाह ताली की मारफ़त हासिल करना जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प बहुत मुनफरद बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये तरीक़ा है क्या फ़िज़िक्स के लॉज क्या केमिस्ट्री के लॉज क्या आप बायोलॉजी पढ़ें क्या आप बॉटनी पढ़ें जॉलोजी पढ़ें हर जगह आपको अपने रब की निशानियाँ मिलेंगी लेकिन ये निशानियाँ किन को नज़र आती हैं लौमी या किलून उन लोगों को के जो अक्ल से काम लेते हैं व मिनन्ना सिमय तंदून ला अदाद यबुना हम कब्बिल्ला व्लैी आमनू अशद एक और पॉजिटिव इमोशन की यहाँ पे अब बात आ रही है और बाज लोग वो हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराते हैं वो उनसे यूँ मोहब्बत करते हैं कि जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए यानी ऐसी मोहब्बत उनको अपने बुतों से हो जाती है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए थी और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा सख्त हैं ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे बड़े हुए होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाएं। एक और हदीस में आता है अपने बाप से और अपनी औलाद से वन्ना सी अजमैन और तमाम दूसरे इंसानों से और मोहब्बत जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन है मोहब्बत जो तब्दीलियाँ इंसान के अंदर लाती है ना इंसान की शख्सियत के अंदर वो कोई और एहसास कोई और जज्बा वो तब्दीली इंसान के अंदर ला ही नहीं सकता एक यंग लड़की जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसको अपनी नींद से भी ज़्यादा प्यारा वो बच्चा हो जाता है उसको अपनी जिसम और अपनी सेहत से भी ज़्यादा वो बच्चा प्यारा हो जाता है क्यों क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत है वो बच्चा उसकी रूटीन बर्बाद करता है उसकी नींद ख़राब करता है उसके कपड़े ख़राब करता है जो भी वो करता है वो उसको ख़ुशी से और हंस के बर्दाश्त करती है क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत है तो मोहब्बत जिस तरह चेंजेस लाती है इंसान के अंदर वो सारी की सारी चेंजेस किस मोहब्बत के तहत होनी चाहिए अब देखना हमने ये है लम्हा फिक्रिया ये है कि कहीं हम मोहब्बत किसी ऐसी हस्ती से तो नहीं कर रहे कि जो हमारे अंदर मनफी तब्दीलियां लेकर आए अगर कोई हराम मोहब्बत है तो वो कैसी कैसी तब्दीली लेकर आती है कैसा कैसा काम इंसान कर जाता है कि जो कि उसको वो कभी सोच ही नहीं सकता होता वो उसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ होता है आम तौर पर लेकिन वो किसी अगर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है किसी इंसान की ऐसे इंसान की मोहब्बत में कि जो कि उसके बस में ही नहीं है वो इंसान उसको मिल ही नहीं सकता और वो हराम है तो उसके अंदर कैसी कैसी तब्दीली आती है कत्लो वारत तक भी बात आ जाती है अपने बच्चों को कत्ल करने तक की बात आ जाती है तो ये जो मोहब्बत है ना अहले ईमान की ये सिर्फ़ अल्लाह के साथ होती है और ये अल्लाह से जो मोहब्बत है ना ये इंसान के अंदर वो तब्दीलियाँ लाती है जो आप देखते हैं कि जो साहबा कराम के अंदर तब्दीलियाँ आईं जब अल्लाह की मोहब्बत आई तो वो जो कल शर्क़ के लिए लड़ रहे होते थे वो मुसलमानों की सफ़ों में उन्हीं अपने मुशरक़ साथियों के सामने जा के तन के खड़े हो जाते थे और फिर कोई भी पुरानी मोहब्बत कोई भी पुरानी दोस्ती काम नहीं आती थी और सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत जो है वो सामने होती थी तो अगर आपको मखलूक में से किसी से मोहब्बत है चाहे वो कोई नॉन लिविंग कोई ऑब्जेक्ट है आसमान ज़मीन है चाहे फिर वो कोई इंसान है चाहे वो कोई बुत है किसी की भी मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए तो वह शिरक है शिरक़ फिलमहब वो महब्बत में शिरक है मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के लिए होना चाहिए जुजवी तौर पर इम परफेक्ट लेवल पर आपका और लोगों के लिए अपनी औलाद के लिए होता है अपने स्पाउस के लिए होता है फ्रेंड्स में मोहब्बत होती है शागिर्द को उस्ताद से होती है उस्ताद को शागिर्द से हो जाती है लेकिन वो सब की सब अल्लाह की मोहब्बत के तबें होनी चाहिए कोई भी मोहब्बत जब अल्लाह की मोहब्बत से आगे निकलने लगे तो फ़ौर समझ लें कि इससे मुझे बचना है ये मेरे लिए नुक़सानदेह है क्योंकि ये मेरे आमाल को ज़ाया करेगी ये मेरे आमाल को ख़राब करेगी और मोहब्बत का असल जो महल है ना उसका जो उसकी जो जगह है वो इंसान के जिसम में इंसान की रूह में किस जगह पे आके समाती है इंसान के दिल में और जो मोहब्बत इंसान के दिल की असलाह करती है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो जब दिल की असलाह होती है तो सारे जिसम की असलाह हो जाती है जैसे अभी हमने हदीस पढ़ी और अगर दिल में कोई हराम मोहब्बत आके बैठ जाए तो इंसान के सारे के सारे अमाल भी बिगड़ सकते हैं वल्लीना आ मनु अशदब्ल जो ईमान वाले होते हैं ना तो वो तो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं और अब इस मोहब्बत को टेस्ट करने का क्या कोई चेक है मोहब्बत से क्या होता है लव लव क्या करता है मोहब्बत सबसे पहले आपको इस बात के ऊपर ले आती है कि आप उसको याद करते रहते हैं जिससे आपको मोहब्बत होती है तो आप सबसे ज़्यादा किसको याद करते हैं ये चेक है आपका मोहब्बत की वजह से घुमा फिरा कर इन लोग जो है ना वो उस इंसान की बात ले आते हैं जिससे उनको मोहब्बत होती है उसी को कोट करते हैं उसी की तारीफ करते हैं उसी की बातें करते हैं चाहे मौका महल ना भी हो तो, तो आहम देखें हम देखें कि हम सबसे ज्यादा किसके साथ या किसके बारे में बातें करके खुश होते हैं हम किस की बात को बार बार अपनी मजलिस का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्या अल्लाह की या किसी और की फिर जिससे मोहब्बत होती है उस पर आपको भरोसा होता है आप अपने मामला उसके सपर्द कर लेते हैं आपको तकलीफ़ आती है तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है जिससे आपको मोहब्बत है काश वो होता तो आप देखिए कि काश वो होता तो आप इंसान के लिए कह सकते हैं ना या किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं आप अल्लाह के लिए तो ये नहीं कह सकते वो तो हर वक्त आपके साथ है तो फिर आप देखिए कि कितना बड़ा खसारा है कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी और से ही मोहब्बत करने लग जाए फिर आप जब गम में सबसे पहले किसको याद करते हैं तो खुशी में सबसे पहले किसको याद आप करते हैं जब आपको कोई पैसे मिलते हैं तो आप सबसे पहले किसका हिस्सा निकालते हैं अपना औलाद का या अपने रब का जिससे मोहब्बत होगी उसका हिस्सा सबसे पहले निकलेगा आप देखें मशर्किन के बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं ना कि अगर इनकी पैदावार कम होती है तो ये अल्लाह का हिस्सा कम करके अपने जो अपने बुतों का हिस्सा है उसको पूरा रखते हैं तो जिससे मोहब्बत होती है ना माल का हिस्सा भी उसी का पूरा पूरा निकलता है माल जमा भी उसी के लिए किया जाता है और माल लगाया भी उसी के लिए जाता है तो लिहाजा जो आपका अच्छा अब ये इतना अहम क्यों है मोहब्बत का किबला दुरुस्त करना इतना अहम क्यों है इसलिए कि आपका जो सबसे बड़ा महबूब है वही आपका महबूद है इबादत भी फिर उसी की है अगर आपको सबसे ज्यादा अपना नफ्स पसंद है और आप अपने नफ्स ही की हर बात मानते हैं तो वो नफ्स ही आपका माबूद है वो नफ्स ही आपका इला है और अगर आप अल्लाह को सबसे आगे रखते हैं तो वो आपका मबूद है जब आपकी मोहब्बत का मरकज़ जो है वो अल्लाह ताला की जात है तो हम सब अपने अपने लिए ये बात जज जरूर कर लें ये देख जरूर लें कि क्या वाकई मुझे अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत है क्या वाकई मैं अल्लाह को मुकदम रखती हूँ और फिर हमारी जिस्मानी जो तब्दीलियाँ हैं ना वो भी आने लग जाएंगी फिर हमें तहज्द पढ़ना आसान हो जाएगा फिर हमारी गुफ्तगु भी ख़ूबसूरत हो जाएगी फिर हम अल्लाह ताला की खिदमत में चाको चौबंद भी हो जाएंगे फिर हमारे अंदर अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक़ भी पैदा होगा फिर हमें अल्लाह से बातें करने में मज़ा भी आएगा लज्जत भी आएगी फिर हमारा दिल करेगा कि हमें तन्हाई में अल्लाह ताला का साथ मिले फिर इंसान बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने से भी भागता है उसको तन्हाइयाँ अच्छी लगने लग जाती हैं तो फ़र्क पड़ता है इंसान के आमाल पर इंसान की रूटीन पर उसकी मोहब्बत जिस से जिससे उसको मोहब्बत है उसके मुताबिक उसके अमाल हो जाएंगे और ईमान वाले जो हैं वो अशद दोब्ल्ला होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं और जिन लोगों ने जुल्म किया अगर वो उस वक्त को दुनिया ही में देख लें जब वो अजाब देखेंगे तो जान लें कि बेशक सारी क्वत अल्लाह ही के लिए है और ये कि बेशक अल्लाह शदीद अजाब देने वाला है जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की थी और वो अजाब देखेंगे और उनके तमाम ताल्लुकात कट जाएंगे और जिन लोगों ने पैरवी की थी वो कहेंगे काश के हमारे लिए एक बार दुनिया में वापसी हो तो हम भी इन लोगों से इसी तरह बेजार हो जाएं जिस तरह वो हमसे बेजार हो गए हैं अल्लाह उनके अमाल को नाकाम ख्वाहिश बना कर उनके सामने इसी तरह दिखाएगा और वो आग के अज़ाब से निकलने वाले नहीं होंगे क्यामत के दिन आप देखिए कि मोहब्बत की बात के फ़ौरन बाद ताला ने बता दिया है जिन से अल्लाह को छोड़कर तुमने मोहब्बत की ना क़्यामत के दिन तो वो तुम्हारे लिए किस तरह से हसरत का बायस बनेगा कि तुम क़्यामत के दिन कहोगे कि ये मोहब्बत जिससे की जा रही है महबूब जो है वो बेजार होगा वो कहेगा नहीं नहीं मुझसे तो नहीं मोहब्बत करते थे ये तो अपने कोई इनके अल्टीरियर मोटिवस थे जिसकी वजह से ये हमारे पीछे आते थे और इसी तरह से जो मोहब्बत करने वाले हैं वो कहें वो कहेंगे कि अच्छा इसका तो मतलब है एक दफ़ा और दुनिया में जाना मिल जाए तो हम इन्हें दिखाएं फिर हम इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएंगे फिर तो हम सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और इनको हम छोड़ देंगे और फिर इन्हें पता चलेगा कि इनके तो आस्ताने चलते ही इसलिए थे क्योंकि हम आते थे तो ये आपस में महबूब और मोहब्बत करने वाला उन दोनों की ये हालत होगी पथेटिक एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे से बेजार और मोहब्बतें कयामत के दिन भी वही काम आएंगी जो अल्लाह की ख़ातिर होंगी कुरान में अल्लाह अल्ला तआला फ़रमाते हैं अल अखिल्लाऊ योम इ दिन बामल बान अदब अलमुतकी जिगरी दोस्त भी क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय वो दोस्त जिनकी दोस्ती का जो दारदार था जो बॉन्डिंग थी उनकी आपस में वो उसका जो मरकज़ था वो तकवा था वो अल्लाह का डर था तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी मोहब्बतों के किबले तो फ़ौन फ़ौर दुरुस्त कर लें अल्लाह उनके अमाल को नाकाम ख़्वाहिश बनाकर उनके सामने इसी तरह दिखाएगा और वो आग के अजाब से निकलने वाले नहीं होंगे ए लोगो तुम उन चीज़ों में सिखाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकिज़ा हैं दो तरह से खाना है हमने खाने को यानी दो तरह से हमने जज करना है कि हमने कौन सा खाना खाना है और वो कौन सी हैं दो तरह है? कि एक तो खाना हलाल होना चाहिए और दूसरे खाना तैयब होना चाहिए हलाल में वो शरण भी हलाल होना चाहिए यानी वो अगर कोई जानवर है तो वो जानवर होना चाहिए कि जो हलाल है और फिर ये कि वो हलाल तरीके से हलाल जानवर ज़िबा भी हुआ हुआ हो और तीसरे ये कि चाहे वो हलाल जानवर है लेकिन अगर वो हराम की कमाई से लिया गया है तो भी फिर वो हलाल नहीं है तो वो कमाई भी हलाल होनी चाहिए जिससे वो रिस्क ख़रीदा जाए और इन एंड ऑफ इट सेल्फ़ भी वो रिस्क हलाल होना चाहिए और दूसरे वो रिस्क तयब होना चाहिए हाइजीनिक होना चाहिए और हाइजीनिक में दो चीज़ें हैं एक तो ये कि वो उमदा हो यानी अगर सब्जी है तो सड़ी हुई ना हो और अगर कोई खाना है तो वो ऐसी जगह पकाया जाए कि जो साफ़ सुथरी जगह है बहुत ज़्यादा उसके अंदर मक्खियाँ और गंदगी और ये चीज़ें ना हो यानी साफ सुथरे पानी से वो आ, उसको उबाला गया हो ठीक है स्टेरलाइज किया गया हो जो जो चीज़ जिस जिस चीज़ की हकदार है वो हक़ अदा किया जाए उसकी आमदगी में और दूसरे ये कि वो खुश ज़ायक़ा भी हो इंसान खाए तो उसको अच्छा भी लगे तो ये है तैयब और हलाल रिस्क जो हमें खाना चाहिए और मत पे पैरवी करो शैतान के कदमों की आप देखिए रज़के हलाल और तैयब के साथ अल्लाह ताला शैतान को ले आए हैं कि शैतान के कदमों की पैरवी क्या होगी हराम रिस्क और गैर तैयब रिस्क क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंसान की रूहानी सेहत को भी बर्बाद करते हैं और इंसान की जिस्मानी सेहत को भी बर्बाद करते हैं बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है हराम रज़ का सबसे बड़ा नुकसान इंसान की दुआई ही कबूल ना हो चाहे वो कितने खुश व से मांग रहा हो तो अल्लाह ताला दुआएं ही कबूल ना करें क्योंकि उसका खाना हराम उसका पीना हराम उसके कपड़े हराम फिर उसका खुश व किस काम आएगा और इसी तरह से अगर ग़ैर तयब खाएंगे और सेहत बर्बाद कर बैठेंगे और लिथार्जिक हो जाएंगे बीमार पड़ जाएंगे तो फिर अल्लाह का काम कैसे करेंगे या जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने बहसीियत माँ बहसीियत बाप अल्लाह ताला ने जो भी हमें दे रखी हैं हमारे ज़िम्मे लगा रखी है बात तो वो भी हम नहीं कर सकेंगे तो ये शैतान का एक हमला है और फिर आप ये भी देखिए कि पीछे हम पढ़ आए कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में भेजा तो सिर्फ़ एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था ना और वो हराम करार दिया था तो शैतान ने इंसान के ऊपर सबसे पहला हमला कहाँ से किया है उसके खाने के ज़रिए से थ्रू फूड तो इसलिए हमें फ़ूड के हवाले से भी देखना चाहिए कि कुरान ने हमें क्या नसीहतें की हैं बस वो तो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और यह कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते तो ये शैतान जो है ये हराम खिलाकर भी इंसान के हया का जो उसका इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर अटैक करता है इंशाल्लाह आगे सूरत आराफ़ में इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस कुरान की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया क्या वो पैरवी करेंगे अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना समझते हों और ना उन्होंने राह हिदायत ही पाई हो और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनकी मिसाल उस शख़्स की सी है जो उस जानवर को पुकारता है जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं सुनता यानी कितना लॉस्ट है वो इंसान कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता है वो बहरे गूंगे और अंधे हैं इसलिए वो अकल नहीं रखते ए लोगों जो ईमान लाए हो तुम उन पाकिज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर दी हैं और अल्लाह का शिक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना तो फिर तयब खाना भी इबादत है और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना भी इबादत है इबादत जो है वो अल्लाह ताला की ग़ुलामी है अल्लाह ताला के आगे खुशु और तजल्लुल है अल्लाह ताला के आगे झुक जाना जो है वो इबादत है हम सिर्फ नमाज़ और रोज़े को ही इबादत समझते हैं जबकि इबादत में हमारे सारे एटीट्यूड्स भी शामिल हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे किस तरह से झुकते हैं अल्लाह ने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार खून खनजीर का गोश्त और वो चीज़ हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा जाए फिर जो शख्स मजबूर हो जाए जबकि वो सरकशी करने वाला और हद से गुजरने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है बेशक जो लोग अल्लाह की नाजिल की गई किताब में से कुछ बातें छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ा सा मोल लेते हैं वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं भरते और कयामत के दिन अल्लाह उनसे कलाम नहीं करेगा और ना उन्हें पाक ही करेगा और उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही और बख्शिश के बदले अजाब ख़रीदा चुनाचे वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं ये एक तरीक़ा है ताजुब का कि ये लोग हिदायत आ जाने के बाद यानी सोना हीरे मोती इनके सामने पड़ा है और फिर ये संग्रेज़ों के तलबगार हैं संग्रेज़ों के खरीदार हैं ये हिदायत छोड़कर कर गुमराही खरीदते हैं ये जन्नत को छोड़कर आग खरीदते हैं तो बड़ा सब्र करते हैं ये आग पर फिर यानी इन्होंने सोच समझ कर आग का फैसला किया है आग का सौदा किया है ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल फ़रमाई और बेशक जिन लोगों ने किताब में इतलाफ किया वो मुखालफत में बहुत दूर चले गए फिर कुरान की जाम तरीन आयात में से ये आयत है इनशा इसको फिर अब हम कल पे रखते हैं क्योंकि इसमें डिटेल है वार्कल्लाफ़ी कम सुबह वब अंता अरदालांता असत फ़िर वतूबालाय असलकुम वरमि वर्का अल्लाह आफियत में रखे आपकी तमाम जायज़ दिली तमन्नाएँ दुआएँ अल्लाह कबूल फ़रमाए हम सब की अल्लाह ताली दुआएं कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताली हमें अपनी आफ़ियत में रखे और इस रमज़ान में हम जब निकलें इस रमज़ान से तो हम इस तरह हों कि अल्लाह ताली हमें माफ़ कर चुका हो हमारी दुआएं कबूल कर चुका हो बारकल्ल हफ़ी سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك علیک السلام عليكم ورحمه الله وبركاته